नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस लेक्चर में हम देखेंगे टेस्ट नंबर 29 आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है पेड कोर्सेज सारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपकी यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। कोई भी इंक्वायरी हो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है द टर्म रेड नोटिस, जो ऑफन न्यूज में देखा गया है, ये किससे रिलेट करता है? तो रेड नोटिस जो है ये वारंट होता है इशूड बाय इंटरपोल। इंटरपोल नोटिसेस जारी करती है, ठीक है, विच इज बेसिकली एक अलर्ट होता है, ठीक है, जो नोटिफाई करता है किसी भी क्रिमिनल या क्रिमिनल एक्टिविटी के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसमें रेड नोटिस जो है ये इंटरपोल इशू करती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? अब इंडिया हैज साइंड, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज साइंड FTAs, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे श्रीलंका के साथ हमने FTA साइन किया है 1998 में, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ 2003 में, और भूटान के साथ 2006 में। यानी कि तीनों जो कंट्री हैं आपकी, इन सबके साथ हमारा बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? तीसरा सवाल देखते हैं। एज पर इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर रिटेलिएटरी अटैक्स, रिटेलिएटरी मतलब क्या होता है? प्रतिशोधी हमले जो होते हैं, ठीक है ना, प्रतिशोध में किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, उसके प्रतिशोध में आप वापस अटैक करें, उसको कहते हैं रिटेलिएटरी अटैक। तो ये ऑथराइज कौन कर सकता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। देयर शुड बी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। इसको हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन, ठीक है, इसके चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल। भारत रत्न के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत रत्न जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पूरे देश का, ठीक है, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1944 में, ठीक है। तो ये चीज आपकी गलत है, ठीक है, ये 1954 में आए थे, ना कि 1944 में, ठीक है, आजादी के बाद आए हैं 1954 में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है, रिकमेंडेशन जो भारत रत्न का है ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं स्वयं आपके राष्ट्रपति को, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ये सारे फैक्ट भारत रत्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या है, अवार्ड जो है इसे मॉनेटरी ग्रांट होता है, यानी कि मौद्रिक अनुदान होता है 15 लाख रुपए का। ये चीज गलत है, इसमें कोई भी मॉनेटरी अवार्ड नहीं होती है। तो पहला और तीसरा गलत है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस रॉन्ग दिए हुए हैं, जस्ट नोट दिस, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर होगा टू ओनली, इज दिस करेक्ट, या फिर अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हो तब हम बोल सकते हैं 1 और 3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? इनकरेक्ट होगा तो ऑप्शन सी आंसर होगा, और करेक्ट ओनली पूछा है तो फिर होगा टू ओनली। इज दिस क्लियर? तो ये फैक्ट याद रखिएगा भारत रत्न के रिस्पेक्ट में। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है आपका सीबीआई के रिस्पेक्ट में। यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो सीबीआई के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर पोटा, ठीक है, ये पोटा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है ना, ये भाजपा सरकार लाई थी इन 1999 से लेके 2004 के टर्म में, ठीक है ना। तो ये पोटा के अंदर नहीं बनाया सीबीआई, सीबीआई बनाया आपके दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, किसका, 1941 का, ठीक है, इस एक्ट के अंदर बना है ये, ठीक है, दिस इज 1946, ठीक है, DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का जो ये एक्ट है, इसके अंदर आपका सीबीआई बना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। अटैच ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी रॉन्ग है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता, दिस ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड आपके जो पेंशन होता है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपका सीबीआई। इज दैट क्लियर? तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों के दोनों रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इट कैन इन्वेस्टिगेट ओनली विद नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ओनली 3 जो है आपका करेक्ट होगा, इनकरेक्ट पूछा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? छठा सवाल देखते हैं, ये है ओजोन। तो ओजोन के बारे में हमने काफी डिस्कशन किया आपके लेक्चर नंबर 28 में एनवायरमेंट में। तो यहाँ पे ओजोन जो है, इट्स अ गैस मेड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, दिस इज ट्रू, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला O3, तो 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ये मिला के बनाता है ओजोन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड है, अकर्स नेचुरली इन स्मॉल अमाउंट्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, ये भी सही बात है, ठीक है। तीसरा क्या है, ओजोन इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिगार्डेड एज पोल्यूटेंट, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर में हमने पहले ही देखा है, जो ओजोन होता है उसको हम कहते हैं बैड ओजोन, ठीक है ना, ये पोल्यूटेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सातवां सवाल देख लेते हैं। सातवां सवाल क्या है, उत्कृष्ट इंपैक्ट बॉन्ड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ना कि आपका करेक्ट, ठीक है। तो ऑलवेज इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो ये उत्कृष्ट इंपैक्ट बॉन्ड क्या है, उत्कृष्ट मतलब क्या होता है, एक्सीलेंस, ठीक है ना।
तो ये पहला वर्ल्ड का, विश्व का पहला मेटर्नल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ इंपैक्ट बॉन्ड है, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना, ये चीज आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या है, इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मेटर्नल केयर इन अफ्रीका प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ये चीज रॉन्ग है, ये राजस्थान, ठीक है, इंडिया में राजस्थान में जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहां पे आपकी जो हेल्थ है, मेटर्नल केयर जो है उसको इंप्रूव करेगा, समझ में आया, मेटर्नल केयर, ठीक है ना, समझ में आया, मातृ देखभाल जैसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, मातृ देखभाल, मेटर्नल केयर मतलब मातृ देखभाल, समझ में आया, तो राजस्थान के लिए है ना कि अफ्रीका के लिए, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी रॉन्ग है आपका, इसको लॉन्च किया है यूएस एड ने, ठीक है, इज क्लियर, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसने लॉन्च किया इसको। इंपैक्ट बॉन्ड क्या होता है, ये चीज ध्यान दे दीजिएगा, इंपैक्ट बॉन्ड जो होता है दीज आर बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड बॉन्ड्स, ठीक है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड बॉन्ड्स होती हैं, यहाँ पे पेमेंट जो होती है आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पे होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड बॉन्ड्स, ये बेस्ड है यानी कि परफॉर्मेंस अगर आपकी हो रही है, आउटकम्स जो है अगर अच्छे आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे आपको पेमेंट मिलेगा, तो ये बेसिकली इंसेंटिव के तौर पर काम करता है ताकि आपके जो सोशल आउटकम्स है वो इंप्रूव हो सके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, मेटर्नल और न्यू बॉर्न हेल्थ के लिए है, सेकंड जो है ये रॉन्ग क्यों है क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका नहीं राजस्थान होगा, तीसरा क्या है ये रॉन्ग क्यों है क्योंकि यहाँ पे यूएस एड ने लॉन्च किया है इसको, इज दिस क्लियर, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, टू एंड थ्री आर इनकरेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज दिस क्लियर। आठवां सवाल देख लिया जाए, आठवां सवाल किसके रिस्पेक्ट में है, ये है ड्रिप के रिस्पेक्ट में, ड्रिप क्या है आपका, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, यानी कि बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम, इसके रिस्पेक्ट में आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें, तो इट एम्स टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग डैम्स इन इंडिया, ठीक है, तो ये सारे एग्जिस्टिंग डैम्स के लिए नहीं है, कुछ डैम्स के लिए है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, दिस इज फॉर 225 डैम्स हैं कुल मिला के 7 स्टेट्स में, ठीक है, इट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन इनिशियल बेसिस इन 7 स्टेट्स ओनली ऑफ इंडिया, ये सारे डैम्स के लिए नहीं है, ऑल एग्जिस्टिंग डैम्स के लिए नहीं है, ओनली 7 स्टेट्स में है। मोस्ट नंबर ऑफ दीज डैम्स आर प्रेजेंट इन तमिलनाडु, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम्स जो है इन 7 स्टेट्स में तमिलनाडु में है, तो ठीक है ना, पहले ध्यान दीजिएगा 7 स्टेट्स के लिए है, पूरे देश भर के लिए डैम्स के लिए नहीं है, डैम मतलब बांध, सेकंड जो है करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तीसरा क्या है, प्रोग्राम जो है एडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी रॉन्ग है आपका, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा एड किया गया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसको दिया है, कुल मिला के देश भर में 225 डैम है, ठीक है, और ये 7 स्टेट्स में है, 7 राज्यों में है, समझ में आया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट पूछा है तो 2 ओनली होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इज दिस क्लियर। नौवां सवाल देख लेते हैं, नौवे में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉट मैच करेक्टली बताना है, ठीक है, तो विंध्या सिस्टम कौन सा मैच करेक्टली नहीं है, तो देखिए विंध्या सिस्टम जो है आपका, विंध्या सिस्टम बेसिकली रेड सैंडस्टोन वगैरह के लिए और बिल्डिंग मटेरियल होते हैं इनके लिए फेमस होता है, ठीक है ना, विंध्या सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद क्या, धारवार रॉक्स, जो धारवार रॉक्स हैं आपके ये आयरन ओर के लिए पॉपुलर हैं, गोंडवाना जो रॉक सिस्टम है ये आपके कोयले के लिए है, मेजर कोल डिपॉजिट जो है आपके गोंडवाना रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं, यानी कि तीनों की तीनों यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप, विंध्या यहाँ पे लिख दिया जाए इसको, विंध्या जो सिस्टम है ये किसके लिए है आपके, सैंडस्टोन के लिए, ठीक है, धारवार जो है, धारवार किसके लिए है आपका, धारवार इस पर आयरन ओर, एंड जो आपका गोंडवाना है, गोंडवाना किसके लिए है, कोल डिपॉजिट्स के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा इसको, एंड इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए आप ज्योग्राफी में जाके, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिसमैच है, काइंडली करेक्टेड। दसवां सवाल देखते हैं, दसवां सवाल किसके बारे में है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, ठीक है, ये एक न्यूट्रल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एट द इंटरसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड इनोवेशन, ये चीज करेक्ट है आपकी, ठीक है, न्यूट्रल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड इनोवेशन, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस वाइड नेटवर्क ऑफ लीडर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ओनली ओनली, ठीक है ना, ओनली एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो यहाँ पे कॉशन की जरूरत है, यानी कि ध्यान देने की जरूरत है, इट्स नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। 11वां सवाल देखिए जाए, 11वां सवाल देखा जाए तो यहाँ पे क्या, किसके बारे में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट स्कीम, ठीक है ना, इंडिया में एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, ये बेसिकली क्या होता है, टैक्स पेयर और जो टैक्स अथॉरिटी होती है, ठीक है, ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वहां पे पहले से ही टैक्स डिटर्मिन कर लेते हैं कि कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स आउटकम कितना होगा जो आपका टैक्स पेयर है, समझ में आया, जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर
एंड जो आपकी टैक्सिंग अथॉरिटी है, जो टैक्स करने वाली है, इसको कितना टैक्स इस पे लगना चाहिए वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये इंप्रूव करती है, सर्टेनिटी देती है टैक्स पेयर्स को इन द डोमेन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है एक बार जाके इसको देख लीजिए। ठीक है, ये कंपनीज के अंदर ही अपने अपने ब्रांचेस में अगर ये कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें कितना टैक्सिंग लगना चाहिए, ये होता है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है ना, इसको एक बार जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, एंड आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? बारहवां सवाल देखते हैं। बारहवां सवाल किससे रिलेटेड है? गिरमिटिया से। ठीक है, गिरमिटिया क्या होता है, यहाँ पे अगेन आपको करेक्ट बताना है। गिरमिटिया जो है डिसेंडेंट्स ऑफ इंडेंचर्ड इंडियन लेबरर्स जो काम के लिए लाए गए थे शुगर केन प्लांटेशन पे फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूरोपियन सेटलर्स। ठीक है, तो ये गिरमिटिया हैं आपके। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लेके गए थे इनको, जैसे फीजी हो गया, मॉरिशियस हो गया, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में आपके इंडिया से लेबरर्स लेके गए थे। इनके जो डिसेंडेंट्स हैं आज, उनको हम कहते हैं गिरमिटिया। समझ में आया? डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, इनके जो वंशज हैं। तो इंडियन लेबरर जो है, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज कर रहे थे तो यहाँ से इंडिया इंडियंस को ये लेबर के तौर पर ले गए थे कुछ कंट्रीज में, और फॉर वर्किंग ऑन शुगर केन प्लांटेशन, गन्ने की जो प्लांटेशन होती है उस पर काम करने के लिए। ठीक है, और वो जो लेबरर्स थे उनके जो वंशज हैं आज, उनको हम कहते हैं गिरमिटिया। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है ये चीज़ करेक्ट है आपकी। दूसरा क्या है, टर्म गिरमिटिया जो है ये महात्मा गांधी ने कॉइन किया था, और जिन्होंने अपने आप को पहला गिरमिटिया कहा था। ठीक है, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू। तेरहवां सवाल देख लीजिए। तेरहवां सवाल किसके बारे में है? नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो KIP क्या है? एंगेजमेंट प्रोग्राम है किसके लिए? डायस्पोरा यूथ के लिए, जो 18 से 30 साल की उम्र के बीच में है, इंडियन ओरिजिन के। तो ये चीज आपकी करेक्ट है, एंगेजमेंट प्रोग्राम है फॉर डायस्पोरा यूथ। डायस्पोरा मतलब जो इंडियन जो है, जो बाहर जाकर रह रहे हैं दूसरे देशों में। ठीक है, सेकंड क्या है, एम्स इंट्रोड्यूस देम टू इंडिया और अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा अबाउट डिफरेंट फैसेट्स ऑफ इंडियन लाइफ, यानी कि इंडिया के जो अलग अलग पहलू हैं, विभिन्न पहलू हैं, जैसे कल्चर हो गया, आर्ट हो गया, दूसरे एस्पेक्ट्स हैं आज देश के हमारे, उनके प्रति उनको वाकिफ करवाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रोग्राम जो है एग्जिस्टेंस में है 2003 से। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इज दिस क्लियर? 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th में अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। रामजेट टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये चीज एक बार देख लीजिए आप। ठीक है ना, रामजेट में फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एयर होता है उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल। तो ये कैसे प्रोसेस काम करता है, इस पर एक बार जाके आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो इट बी क्लियर टू यू। ठीक है, एंड दिस हैज बीन एक्सप्लेन इन द साइंस लेक्चर। तो यहाँ पे मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर रिविजन पर्पज। ठीक है ना, तो आपको ऑलरेडी फेमिलियर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो काइंडली वॉच इट ऑन यूट्यूब, एक बार इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। ठीक है, वीडियो में देख लेंगे तो आपको फटाफट दिमाग में बैठ जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टू आर साइंस लेक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, ये जो है मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, जॉइंटली इंडिया और रशिया ने डेवलप किया है, ना कि इंडिया और फ्रांस ने। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या है, मेजर डिफरेंस जो है बिटवीन दिस मिसाइल एंड द रेगुलर एयर टू एयर मिसाइल्स इज एयर ब्रीदिंग रामजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। तो ये एयर ब्रीदिंग के उस पर काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एयर ब्रीदिंग मतलब जो सराउंडिंग एयर होता है उसको यूज करके ये अपना जो फ्यूल है उसको कंबस्ट करता है, वहां से इसको एनर्जी मिलती है फॉर प्रोपल्शन। समझ में आया, ये होता है रामजेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट जो है ये रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओनली। ठीक है, मतलब टू ओनली। ठीक है, पंद्रहवां सवाल देख लेते हैं। पंद्रहवां क्या पूछ रहा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो एनर्जी सिस्टम जो है ग्लोबली बिकेम लेस अफोर्डेबल एंड लेस एनवायरमेंटली सस्टेनेबल देन देवर 5 years अगो। दिस इज ट्रू। ठीक है, इंडेक्स जो है ये कंसिडर करता है द करेंट स्टेट ऑफ कंट्रीज एनर्जी सिस्टम, उनका स्ट्रक्चरल रेडीनेस क्या है फ्यूचर एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए, उसके प्रति अडाप्ट करने के लिए। फॉसिल, ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो है इनका जो शेयर है ऑफ टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई हैज बीन डिक्लाइनिंग ओवर द पास्ट 3 decades। ये चीज गलत है आपकी, फॉसिल फ्यूल का जो शेयर है आपका वो डिक्लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आज भी जो है अराउंड 81% है। ठीक है, और ये कांस्टेंट रहा है। आज भी जो फॉसिल फ्यूल का शेयर है टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई में, दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 81% ऑफ द टोटल एनर्जी सप्लाई। ठीक है ना, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये डिक्लाइन नहीं कर रहा है, इट हैज रिमेन्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर द पास्ट 3 decades। ठीक है, एंड इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो दिस इज करेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, GETI, इसको कौन प्रिपेयर करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो इस पर आपको ऐसे डायरेक्टली सवाल आ सकता है। 16वां सवाल देख लेते हैं हम लोग। 16वां किसके बारे में है, EESL के बारे में है। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। तो ये जॉइंट वेंचर है किसका, स्टेट ओन्ड NTPC, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC। ठीक है ना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर ग्रिड।
तो ये चीज आपकी करेक्ट है, ये एनर्जी सर्विस कंपनी है आपकी EESL, ठीक है ना। EESL जो है एक एनर्जी सर्विस कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर आपका एनर्जी सर्विस कंपनी है, ठीक है। 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, NTPC, PFC, REC और आपका पावर ग्रिड। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ESL लॉन्च किया गया है, हैज लॉन्च, ESL लॉन्च किया है नेशनल एनर्जी एफिशियंट फैन प्रोग्राम टू प्रमोट एफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी, ये भी चीज करेक्ट है आपकी, ठीक है। तीसरा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये चीज आपकी गलत है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दिखेगा, पावर मिनिस्ट्री के अंदर है ना कि आपके NRE के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? 17वां सवाल देखिए जाए, 17 सवाल क्या है, देवदार, इंडियन चेस्टनट, ठीक है, बर्च, प्लम, मैशलस, ये सिनेमन, ठीक है, और मैग्नोलिया, ब्लू पाइन, ये सब जो है ब्लू पाइन वगैरह, पाइन वगैरह मतलब क्या, गोल्डन, कोल्डर एरियाज हो गए आपके, ठीक है ना। तो दीज आर द डोमिनेंट ट्री स्पीशीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इन इंडिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट नहीं हो सकता, टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स नहीं हो सकता, ये होगा माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पे ग्रो करता है, करीबन 1800 से 3000 मीटर के हाइट पे, समझ में आ रहा है, ये पाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पाइन मतलब क्या होता है, पाइन जो आप पाइन ट्रीज आपको पता होगा, एकदम ऐसे नुकीले नुकीले इसके ऐसे नुकीले से पेड़ होता है, ठीक है, ताकि जो बर्फ बर्फ के इसके ऊपर गिरे वो नीचे ढह जाए, इस टाइप का शेप होता है, ठीक है। तो ये आपके माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाएंगे आपके, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। और ये जितने भी यहाँ पे प्लांट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार जाके इसको सर्च कर लीजिए आप गूगल पे इमेजेस में, ठीक है, तो यू विल रिमेंबर, और फोटो देख के आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। 18वां सवाल देखते हैं, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के बारे में दिया गया है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है इक्वेटर पे, ये चीज सही बात है, ठीक है ना, कोरियोलिस फोर्स आपकी इक्वेटर पे जीरो होती है। अबाउट 65% जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है अकर्स बिटवीन 10 to 20 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है ना, ये भी चीज है आपकी सही है, ठीक है, इसलिए आपका इक्वेटर पे कोई भी साइक्लोन नहीं देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है जीरो होता है, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम जो है आपके ये 5 डिग्री लैटिट्यूड पे, ये काफी ज्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं आपकी कोरियोलिस फोर्स होती है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे स्टॉर्म वगैरह क्रिएट होता है, ठीक है। एंड तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 65% जो है आपके साइक्लोनिक एक्टिविटी ये 10 से 20 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में होता है। एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स जो है ये भी कोरियोलिस इफेक्ट का फायदा उठाती हैं, ठीक है, इससे इनका क्या है फ्यूल जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है इफ दे यूटिलाइज द कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ऑल द स्टेटमेंट्स करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। इज दिस क्लियर? ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स जो है ये एक्चुअल फोर्स नहीं है, ठीक है ना, ये एक अपेरेंट फोर्स है, ठीक है, अपेरेंट मतलब ये रियलिस्टिक नहीं है, ये सूडो फोर्स है, ठीक है, और ये रिजल्ट किसके वजह से होता है, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि इक्वेटर के ऊपर जो भी विंड होता है बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, है ना, अर्थ का जो रोटेशन होता है इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे अगर मूव कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो आपका जो विंड है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके ट्रेड विंड्स कैसे होते हैं आपके, यहाँ पे ईस्टरलीज होते हैं, आपने पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी में, यहाँ पे ईस्टरलीज होते हैं, साउथ में क्या होता है आपका, ये भी ईस्टरलीज होते हैं साउथ के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ईस्ट से आ रही है। जो विंड्स के नाम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो दीज आर ईस्टरलीज, ये ट्रेड विंड्स हो गए आपके, ठीक है ना, जस्ट रिमेंबर दिस, ये कोरियोलिस फोर्स हो गया आपका, ठीक है। तो 18th का आंसर क्या था, 18th का आंसर इज डी ऑप्शन। इज दिस क्लियर? 19वां सवाल देख लिया जाए, 19वां सवाल क्या है, यहाँ पे डैम दिया है, कौन से रिवर पे ये लोकेटेड है, तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो शाहपुर कंडी डैम जो है ये पंजाब में है, ये किस पे है, रवि नदी पे है, तो ये फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। लखवाड़ डैम जो है ये रिवर यमुना पे है, तो सेकंड भी आपका करेक्ट है, ठीक है। रामगुंडम डैम जो है ये गोदावरी रिवर पे है, ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। और इडुक्की डैम जो है ये कावेरी पे नहीं है, ये पेरियार रिवर पे है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये न्यूज में था आपका इडुक्की डैम, ठीक है। तो इडुक्की डैम जो है ये आपका ये चौथा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 1, 2, 3। 20वां सवाल देख लेते हैं, 20वां सवाल क्या है, यहाँ पे अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिहान डैम, ठीक है। तो रिहान डैम के बारे में देख लेते हैं, ये रिहान डैम कहाँ पे है, ये आपका इसको इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब रिहान जो है लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना, ये लार्जेस्ट डैम है बाय वॉल्यूम। रिजर्वायर कॉल्ड गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है, ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड ऑन बेतवा, ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन बेतवा रिवर।
विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। तो ये गलत है, यहाँ पे बेतवा पे नहीं है, ये रिहांड पे है। ठीक है, रिहांद जो रिवर है इस पे है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। तो रिहांद जो है ये आपके सोन रिवर है, सोन रिवर का ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर लोकेटेड है आपका रिहांद डैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, पहला और दूसरा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। इज दिस क्लियर? 21वां सवाल देख लेते हैं। 21वां सवाल क्या है, रंग बंग। ठीक है ना, रंग बंग इज जनरली न्यूज एसोसिएटेड टू भोटिया ट्राइब, ठीक है, ऑफ उत्तराखंड। ये क्या है रंग बंग, क्या है दिस इज बेसिकली एक यूथ डॉर्मेट्री है। ठीक है, यूथ डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री मतलब क्या होता है, जहां पे आप रह सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, जहां पे आप रह सकते हैं, और ये आपका एक तरह से कस्टम और सोशल इंस्टीट्यूशन है इनके लिए, भोटिया ट्राइब के लिए, उत्तराखंड के जो हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो युवा होते हैं, यहाँ पे सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, खाना वाना खाते हैं, और आपस में जो है कल्चर वगैरह एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ यूथ डॉर्मेट्री, यानी कि युवा छात्रावास। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। 22वां सवाल देख लीजिए। 22वां सवाल जो है ये पीटलैंड के बारे में है। पीटलैंड क्या होता है, ये टाइप ऑफ वेटलैंड है। ठीक है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है आपके टेस्ट नंबर 28 में। ठीक है, एंड पीटलैंड जो है ये पीट सॉइल को रेफर करता है। ठीक है, दीज आर वेटलैंड बेसिकली, एंड पेटलैंड, पीटलैंड क्या होता है इसके बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। पीटलैंड जो है वेटलैंड होता है, करंटली 3% ग्लोबल लैंड सर्फेस कवर करता है, दिस इज करेक्ट। ईयर राउंड वाटर लॉक कंडीशन जो है ये प्रोसेस ऑफ प्लांट डिकम्पोजिशन को स्लो कर देती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये मिनिमाइज करती है रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड ड्रॉट, और ये सी वाटर इंट्रूजन जो है इसको भी प्रिवेंट करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 2, 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो पीटलैंड हमने पहले ही डिस्कस किया है, तो काइंडली रेफर दैट लेक्चर। ठीक है ना, 23वां सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केम इन टू एक्जिस्टेंस फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एक्जिस्टेंस में क्या आया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभिधम्म पिटाका। ठीक है, अभिधम्म पिटाका, विनय पिटाका, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, यहाँ पे त्रिपिटका होता है बुद्धिस्ट के, है ना, तो उसमें से अभिधम्म पिटाका जो है सबसे लास्ट का पिटाका है। ठीक है, सबसे पहले आया था आपका विनय पिटाका। ठीक है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि विनय पिटाका जो है सबसे पहले आया था। बुद्ध चरित्र जो है ये बाद में आया आपका। ठीक है, एंड जो मिलिंद पानो है, मिलिंद पानो क्या है, मिलिंद पानो किसके बीच में, मिलिंद पानो किसने लिखा है, नागासेन ने लिखा है। ठीक है, सॉरी, दिस इज अ डायलॉग बिटवीन नागासेन एंड मिनांदर जो था आपका, जो ग्रीक का किंग था उस समय। ठीक है, ग्रीस का किंग था उस समय, इंडो ग्रीक किंग था ये, और जो नागासेन है ये आपके एक बुद्धिस्ट सेज थे, साधु। ठीक है, तो इनके बीच में जो डायलॉग होता है उसको डॉक्यूमेंट किया आपके मिलिंद पानो में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका यह है विनय पिटाका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पे है ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर? 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। 24th क्वेश्चन किसके बारे में है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। यहां पे अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है, इट एम्स फॉर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ नेविगेशन ऑन नेशनल वाटरवे 2। तो ये गलत है, यहां पे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन नेशनल वाटरवे 2 पे नहीं है, बल्कि नेशनल वाटरवे 1 पे है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, नेशनल वाटरवे 1 पे होगा, ना कि नेशनल वाटरवे 2। ये वर्ल्ड बैंक एड कर रहा है, दिस इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल है इसके, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में, ये चीज करेक्ट है आपकी। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 1, ठीक है ना, ये कहां से कहां तक लिंक करता है, ये वाराणसी से लिंक करता है आपके हल्दिया तक। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर? 25th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बत्तुकम्मा। ठीक है, बत्तुकम्मा के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, बत्तुकम्मा, बत्तुकम्मा क्या है, बत्तुकम्मा जो है सेलिब्रेट करता है, ठीक है, सेलिब्रेट्स द इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ, वाटर एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, तो बत्तुकम्मा जो है यह हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है, ये विंटर के पहले जो है, ऑनसेट ऑफ विंटर जो होता है वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑनसेट ऑफ विंटर मतलब जब जब सर्दी की शुरुआत होती है उसके पहले इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस, ये वेमेन खासकर सेलिब्रेट करती हैं आपकी तेलंगाना की। ठीक है, द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है ना, बत्तुकम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26वां सवाल, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये है गालो ट्राइब के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, गालो ट्राइब हो गया यहाँ पे, तो दे आर फाउंड प्रोमिनेंटली इन सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश, दिस इज करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। ठीक है, मोपिन जो है, ठीक है, मोपिन जो है इसमें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल विथ ह्यूज पॉम्प। ठीक है,
तो मोपिन फेस्टिवल होता है इसमें, इसके बाद आपका पोपियर जो है यूनिक डांस है जो ये ट्राइब परफॉर्म्स करती है। तो जस्ट रिमेंबर दीज, ये फैक्ट हो गए आपके, मोपिन एंड जो पोपियर है आपके, ये गालो ट्राइब से एसोसिएटेड है। गालो ट्राइब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दीज आर सर्टन फैक्ट्स, जस्ट रिमेंबर दीज, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इज दिस क्लियर। 27वां सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे है पुल्लिकली। पुल्लिकली जो है दिस इज अ डांस जो कौन से स्टेट में परफॉर्म होता है, ये है आपके केरला में, ठीक है। पुल्लिकली जो होता है ये बेसिकली आपका एक टाइगर डांस है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, ये एक टाइगर डांस है और ये आपके केरला में परफॉर्म किया जाता है, इज दिस क्लियर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28वां सवाल देख लेते हैं, 28वां सवाल कैसे रिलेटेड है, ये आपके अपाची हेलीकॉप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो अपाची जो है ये फ्रेंच ट्विन टर्बो शाफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर है, ये चीज़ गलत है, ये यूएसए से हमने लिया है, ठीक है। इट इज़ नॉट फ्रेंच, इट इज़ यूएस। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इट हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स विद बेस एट पठानकोट, दिस इज करेक्ट। पठानकोट में इसका बेस है, ठीक है, ये चीज़ करेक्ट है। हेलीकॉप्टर जो है ये बोइंग मैन्युफैक्चर करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो आपके सेकेंड और थर्ड करेक्ट हैं इसमें, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इज दिस क्लियर। 28th question क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट अ गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल इन इंडिया, ठीक है। इसमें से गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल कौन सा नहीं है? नाग जो नाग, अमोघ और MPATGM, ये तीनों जो हैं आपके, ये आपके गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल हैं। अस्त्र जो है ये आपका गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल नहीं है, ठीक है ना। दिस इज एयर टू एयर मिसाइल जो कि आपके DRDO ने डेवलप किया है, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये एंटी टैंक मिसाइल नहीं है। बाकी तीनों जो है ये एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना। ये फैक्ट्स हैं आपके, एंटी टैंक मिसाइल है, डिफेंस रिलेटेड फैक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अस्त्र क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल। 29th क्वेश्चन देख लेते हैं, 29th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपके एक्सरसाइज दी है और कंट्री से इसको रिलेट किया गया है। तो युद्धाभ्यास, ठीक है, युद्धाभ्यास यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है, नॉट मैच्ड करेक्टली जो है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो युद्धाभ्यास किसके साथ दिया है, यहाँ पे यूके दिया है, ये चीज गलत है। युद्धाभ्यास जो है यूएसए से लिंक्ड है, ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया। मैत्री, ठीक है, मैत्री जो है, मैत्री किसके साथ होता है, मैत्री आपके थाईलैंड के साथ है, ठीक है, मैत्री इज विद थाईलैंड एंड नॉट इंडोनेशिया, ठीक है। काजन जो है ये किसके साथ है, कजाकिस्तान के साथ। ओनली थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट मैच करेक्टली, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन एंड टू ओनली, इज दिस क्लियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर। 30th क्वेश्चन लिख लेते हैं, 30th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ठीक है। तो इंडियन चीता, पिंक हेडेड डक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तीनों जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सिर्फ पिग्मी हॉग जो है एक वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ इंडिया में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो पिग्मी हॉग को छोड़ के, हॉग मतलब क्या होता है, पिग होता है, ठीक है, तो ये छोटे प्रकार के पिग होते हैं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, लेकिन एक्सटिंक्ट विलुप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। 31st क्वेश्चन देखते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में है, FATF के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, FATF। यहाँ पे अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में एस्टैब्लिश हुई थी बाय G7 समिट, ठीक है ना, G7, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, G8 में कौन से कंट्रीज आता है, ये चीज़ भी आप जाके देख लीजिए इसको, ठीक है। G7 की समिट हुई थी कहाँ पे, पेरिस में हुई थी 1989 में, वहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया गया है, पेरिस। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एम्स टू डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, इन दोनों को कॉम्बैट करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग और जो आपकी टेरर फाइनेंसिंग होती है, इन दोनों से लड़ने के लिए आपका FATF जो है फंक्शन करता है। तो ये भी करेक्ट है। ईरान, नॉर्थ कोरिया जो है ये ब्लैकलिस्ट में FATF के, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 32nd जो है पंडित जसराज के बारे में है, यहाँ पे अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो पंडित जसराज जो है ये, ही इज इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू मेवाती घराना, ठीक है। तो ये चीज आपकी करेक्ट है, ठीक है, मेवाती घराना से है ये। इसके बाद ही इज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न, पहला बात तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न, ये चीज गलत है। यहाँ पे इनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है, भारत रत्न मिला ही नहीं है इनको, तो ये चीज आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है, रिसेंटली एस्ट्रॉइड जो है इनके ऑनर में नेम किया गया है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। एक एस्ट्रॉइड जो है इनके नाम पे अभी रखा गया है, ठीक है ना, पंडित जसराज के नाम पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 आर करेक्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर। 33वां सवाल देख सकते हैं, 33वां सवाल क्या है, फर्स्ट इंडियन सिटी जो मेंबर बना है किसका, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। तो दिस इज अ वेरी रीसेंट न्यूज, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, मुंबई जो है सबसे पहला सिटी बना है इसमें। 34वां सवाल देख लेते हैं, ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, ठीक है। तो कोबरा गोल्ड जो है एशिया पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज है,
विच इज हेल्ड इन थाईलैंड एवरी ईयर। ठीक है, कोबरा गोल्ड जो है ये थाईलैंड में हर साल होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कोबरा गोल्ड जो है इसमें इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया ये भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, एंड इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ही पार्टिसिपेट करता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो कोबरा गोल्ड इज़ अ वेरी इंटरनेशनल बिग एक्सरसाइज, ठीक है ना। और इंडिया हैज़ नेवर पार्टिसिपेटेड, ये चीज़ गलत है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ठीक है, कुल मिला के इसमें 44 जो है पार्टिसिपेटिंग पर्सनल थे फ्रॉम बोथ चाइना एंड इंडिया। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। तो ऑल दीज अ फैक्ट्स। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज 1 एंड 2 ओनली। 35वां सवाल देख लिया जाए, 35वां सवाल किसके रिस्पेक्ट में है? कोरल ब्लीचिंग के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो अबाउट 90% ऑफ एनर्जी, 90% जो एनर्जी है कोरल की, दैट इज प्रोवाइड बाय ज़ूज़ान्थले। ज़ूज़ान्थले ये चीज जो है, ज़ूज़ान्थले क्या होता है, दीज आर एल्गे लाइक ऑर्गेनिजम्स, इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है इनका, ये फूड जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं जो कोरल के लिए काम करता है। तो 90% एनर्जी जो कोरल की आती है वो ज़ूज़ान्थले से आता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ज़ूज़ान्थले जो है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो और रेडिश ब्राउन कलर्स ऑफ द होस्ट कोरल। ठीक है, कोरल जो होता है ये अपने आप में कलरलेस होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका जो बेसिकली कलर आता है वो कहाँ से आता है, ज़ूज़ान्थले से। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, वेन अ कोरल ब्लीचेस, ज़ूज़ान्थले जो है ये इमीडिएटली डाई कर जाता है। ये चीज़ गलत है, इमीडिएटली डाई नहीं करता है, लेकिन ये धीरे धीरे डेथ की तरफ जाता है। ठीक है, तुरंत नहीं मरता है ये, धीरे धीरे जाता है। तो धीरे धीरे इसकी ब्लीचिंग होती है कोरल की। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग यहाँ पे, कोरल ब्लीच का मतलब क्या होता है, कोरल का जो डिसकलरिंग होता है, कलर जो इसका धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? 36वां सवाल देखते हैं, 36वां सवाल किसके रिस्पेक्ट में है? सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में है। यहाँ पे अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो SRM सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्निक जो है ये रिफ्लेक्ट करती है स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सन एनर्जी बैक इनटू स्पेस। दिस इज करेक्ट। ठीक है, इसको देखो, SRM बेसिकली है क्या, सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट, यानी कि जितना भी इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन क्या होता है, दिस इज इनकमिंग सोलार रेडिएशन। ठीक है, तो इनकमिंग सोलार रेडिएशन, इंसुलेशन जो सन की रेज आ रहे हैं इसकी वजह से जो हीट होता है, तो यहाँ पे बेसिकली SRM क्या है, ये एक थियोरेटिकल अप्रोच है जिससे हम लोग सोलार का जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर सके वापस स्पेस में। ठीक है, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा अर्थ जो है वो अब्जॉर्ब ना करें। तो SRM टेक्निक जो है ये रिफ्लेक्ट करता है थोड़ा सा स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ सन एनर्जी बैक इन टू स्पेस। ये चीज़ करेक्ट है। तो रिफ्लेक्शन करके हम लोग वापस सन का रेडिएशन स्पेस में भेज देते हैं। सेकेंड क्या है, मरीन क्लाउड टेक्निक, क्लाउड ब्राइटनिंग वन ऑफ द मेथड सजेस्टेड टू रिफ्लेक्ट बैक सनलाइट, ये भी चीज सही है। ठीक है, और तीसरा क्या, SRM जो है डायरेक्टली रिड्यूस करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये कंप्लीट सोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी गलत है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड आर ओनली करेक्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? डायरेक्टली कभी रिड्यूस नहीं करेगा ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, तो आपको ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन जो है वो कंट्रोल करनी पड़ेगी। SRM के नॉट रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। ठीक है ना, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इंसुलेशन रोक रहे हैं हम लोग सीधा ग्रीन हाउसेस को नहीं रोक रहे हैं एमिशन उनका। ठीक है, तो 36 का आंसर इज ऑप्शन ए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 37th क्वेश्चन। ये किसके बारे में है? यूनेप फाइनेंस इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे अगेन आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ये पार्टनरशिप है किसके बीच में, यूनेप एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, ताकि इसका देखो बेसिकली एम क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस है इसको मोबिलाइज करना ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें अर्थ पे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका अल्टीमेट एम है, कैसे प्राइवेट सेक्टर जो फाइनेंस है उसको मोबिलाइज करना। ठीक है, समझ में आया? तो ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर और यूनेप के बीच में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसके बीच में जो है ये एक पार्टनरशिप है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ये कब हुआ था, 1992 अर्थ समिट के बाद ये चीज कमिट स्टार्ट हुई है, मतलब उसी से ही स्टार्ट हुई है ये। तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, 38th क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सी ग्रासेस, इनको लंग्स ऑफ सी कहा जाता है। ठीक है, दीज आर लंग्स ऑफ सी। क्यों लंग्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज 1 स्क्वायर मीटर ऑफ सी ग्रास जो है ये जनरेट कर सकता है 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे। कैसे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग जो प्लांट्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अंदर, इनहेल करता है और ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। तो यहाँ पे 10 लीटर ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है ये सी के लिए, तो इसलिए इसको लंग्स कहा जाता है। लंग्स क्या होता है, जो आपके फेफड़े होते हैं। ठीक है, समुद्र के फेफड़े, ये किसको कहा जाता है, समुद्री घास को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज जो है करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 39th क्वेश्चन देख लिया जाए। 39th क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में, बेसल कन्वेक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट पूछ रहा है। तो बेसल कन्वेंशन किसके रिस्पेक्ट में है, ये आपका प्लास्टिक इज इंक्लूडेड इन इट एज अ हजार्डस वेस्ट।
देखो बेसल कन्वेंशन होता किसके लिए, ये होता है हजार्डस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फॉर द कंट्रोल ऑफ हजार्डस वेस्ट, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो यहाँ पे प्लास्टिक जो है इसको इंक्लूड किया गया है एज अ हजार्डस वेस्ट, तो ये चीज़ आपकी करेक्ट है, ठीक है। लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। यूएसए ने रेटिफाई कर दिया कन्वेंशन, जी ये गलत है, यूएसए और कुछ और कंट्रीज हैं जिन्होंने ये अग्रीमेंट जो है इसको क्या बोलते हैं रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर, ठीक है। 40th क्वेश्चन देख लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथ्स करेक्टली, करेक्टली कौन सा मैथ्स है इसमें, ये चीज देखनी है आपको। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये हमने पहले डिस्कस किया है, पॉप से रिलेटेड होता है, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये चीज आपकी करेक्ट है। फर्स्ट इज करेक्ट, बेसल कन्वेंशन, ट्रांसबाउंड्री वेस्ट मूवमेंट, हजार्डस वेस्ट, ठीक है ना, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, तो ये भी आपका करेक्ट है। रोटरडैम कन्वेंशन आपके ट्रेड ऑफ हजार्डस केमिकल से रिलेट होता है, ठीक है ना, तो ये चीज भी आपकी करेक्ट है। ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ये चीज, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट फॉर सर्टन हजार्डस केमिकल्स, ठीक है, PIC जो होता है आपका, ठीक है, PIC स्टॉकहोम जो होता है, स्टॉकहोम हो गया आपका पॉप्स, और ये होता है आपका PIC, ठीक है, किसके लिए, हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए, ठीक है, PIC मतलब प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। रोटरडैम भी आपका करेक्ट है यहाँ पे, तो ऑल दी स्टेटमेंट्स करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब 41st क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 41st क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यहाँ पे क्या करना है आपको, पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करनी है आपको। तो यहाँ पे विडो मैरिज एसोसिएशन, तो यहाँ पे आपको यहीं से पता चल गया होगा विडो मैरिज एसोसिएशन किसने एस्टैब्लिश किया था, ये है आपके डी के कार्वे, ठीक है, इनका सी नाम क्या है, धोंडो केशव कार्वे, इन्होंने 1893 में एस्टैब्लिश किया था विडो मैरिज एसोसिएशन, ये आपने स्पेक्ट्रम में अपने पढ़ा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करनी है। हिंदू विडोज होम भी एस्टैब्लिश किया था पुणे में 1896 में, यहाँ पे आप फैक्ट्स याद कर लीजिए अगर आपको आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरे ठाकर से विमेंस यूनिवर्सिटी 1916 में एस्टैब्लिश की है, भारत रत्न इनको मिला था 1958 में, जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है विमेन के एमानसिपेशन के लिए, ठीक है, एमानसिपेशन मतलब मुक्ति के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी के कार्वे, धोंडो केशव कार्वे, ठीक है। इज दिस क्लियर। 42nd क्वेश्चन देखते हैं, 42nd क्वेश्चन ये क्या है, यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं आपसे, तो ये किसके बारे में, देवबंद स्कूल स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। देवबंद स्कूल जो है, देवबंद मूवमेंट जो है, इट वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो देवबंद मूवमेंट पहली बात तो यह कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है, देवबंद में एस्टैब्लिश हुआ, ये कहाँ पर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो पहले आपका यूपी था, ठीक है, उसमें अभी उत्तराखंड अभी भी यूपी में आता है आपका सहारनपुर, ठीक है ना। तो देवबंद जो है आपके सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये 1866 में एस्टैब्लिश किया गया था, किसने एस्टैब्लिश किया था इसको, नाम याद कर लीजिए, मोहम्मद नानोतवी और रशीद गंगोही, इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, गंगोही और जो आपका नानो तवी, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर आपको बनाया था आपका देवबंद मूवमेंट जो है ये लॉन्च किया था। इसका एम क्या था, ये रिलीजियस लीडर्स को ट्रेन करेगा फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है ये करेक्ट है आपका, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, 1888 में फतवा रिलीजियस डिग्री इशू किया गया था अगेंस्ट सैयद अहमद खान के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो सैयद अहमद खान जो है थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहते थे इस्लाम को, इसके खिलाफ जो है देवबंद स्कूल ने फतवा जो है इशू कर दिया था। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा क्या है, फंडामेंटल एम जो था ऑफ अलीगढ़ एंड देवबंदी मूवमेंट, ये दोनों का सेम है, तो ये एक चीज गलत है। अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स है थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। देवबंदी का क्या है, ये मॉरल एंड रिलीजियस रीजनरेशन है, मॉरल एंड रिलीजियस रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, समझ में आया। तो अलीगढ़ क्या है, ये वेस्टर्न एजुकेशन यूटिलाइज करेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगा मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। देवबंदी किस लिए है, ये मॉरल यानी कि नैतिक और जो धार्मिक इनका अपलिफ्टमेंट है इस्लाम का, वो रीजनरेट करने के लिए, समझ में आया। तो तीसरा जो है ये चीज गलत है, दोनों का एम सेम नहीं था, अलीगढ़ और देवबंद का, समझ में आया। तो यहाँ पे सिर्फ पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विच इज 1 and 2 ओनली। 43rd क्वेश्चन क्या है, यति जो है रिसेंटली आपके न्यूज में था। यति क्या है, ये बेसिकली एक मिथिकल कैरेक्टर है जो आपके पुलार रीजन में कहा जाता है कि एक बहुत विशाल सा मनुष्य टाइप का एक आदमी देखा गया है, ठीक है, ये खासकर आपके हिमालय में देखा गया है, ठीक है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, मिथिकल कैरेक्टर। मिथिकल कैरेक्टर मतलब जो असली में पौराणिक चरित्र मतलब कि जो वास्तविकता में नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ये आर्मी ने ट्वीट किया था इसको, ठीक है। इज दिस क्लियर। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम के बारे में है। लाइसोसोम किसके लिए होता है, लाइसोसोम होता है बेसिकली आपके डाइजेशन के लिए, डाइजेशन और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं आपके सेल के अंदर उसको निकालने के लिए बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है,
लाइसोसोम्स, इट कंटेन्स एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करती हैं प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स को, सही बात है। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है आपके सेल का, ठीक है। एंड रिसेंटली नोबेल प्राइज जो है ये अवार्ड किया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑटोफेजी, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ ऑटोफेजी ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये नोबेल प्राइज भी यहाँ पे अवार्ड किया गया था ऑटोफेजी के लिए। ऑटोफेजी क्या होता है? ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग, ठीक है, सेल्फ ईटिंग। ये लाइसोसोम्स क्या करती हैं? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, सैक लाइक, सैक मतलब क्या होता है आपका एक बोरा टाइप का, ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है, जो भी आपका कचरा वगैरह है आपके सेल के अंदर, मैं सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, जो भी है उसके अंदर जो भी कचरा होता है वो इस सैक के अंदर भर दिया जाता है, उसके बाद ये इसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना, लाइसोसोम्स होता है। तो इस ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज जो है 2016 में दिया गया था, ठीक है, रिसेंटली। यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, 1, 2, 3 आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर? ठीक है, 45th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 45th क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में? हीट वेव के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तीजे हमने ऑलरेडी डिस्कस की है इसको, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, तो इसमें अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो हीट वेव जो है, हीट वेव इज कंसिडर्ड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीजेस एटलीस्ट 37 डिग्री, ठीक है, एटलीस्ट 37 डिग्री और मोर फॉर द कोस्टल स्टेशन, ठीक है। तो प्लेन्स के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा, 37 डिग्री कोस्टल स्टेशन के लिए है, ठीक है ना, 40 डिग्री है आपका प्लेन्स के लिए, 30 डिग्री सेल्सियस है आपका हिली एरियाज के लिए, पहाड़ी एरियाज के लिए आपका क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, और प्लेन्स के लिए, ठीक है ना, प्लेन्स के लिए 40 डिग्री, कोस्टल यानी कि तटीय जो रीजन है उसके लिए आपका 37 डिग्री है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके बाद जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है, इट डज नॉट कंसिडर हीट वेव टू बी अ नेचुरल डिजास्टर, ये चीज भी सही है, इसमें हीट डिजास्टर, इसको हीट जो है, इसको हीट वेव जो है इसको नेचुरल डिजास्टर नहीं माना गया है, ठीक है, क्लियर। तीसरा क्या, IMD एज पार्ट ऑफ इट्स वेदर फोरकास्टिंग प्रोटोकॉल, इसने हीट वेव कंडीशंस आउटलुक जो है पूरे देश भर का दिया है, ये चीज करेक्ट है आपकी। तो ऑल दी स्टेटमेंट्स करेक्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज दिस क्लियर। 46th क्वेश्चन देख लेते हैं। 46th क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में? किगाली अग्रीमेंट। किगाली अग्रीमेंट किसके परिपेक्ष में आया था? यह आया था आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है, किगाली अग्रीमेंट की बात हो रही है। तो पार्टीज प्लेस टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ HFCs बाय रफली 85%, ठीक है ना, 80 to 85% फ्रॉम द रेस्पेक्टिव बेसलाइन स्टिल नॉट 2025, ये रॉन्ग है, ये 2045 तक है, यानी कि 2045 तक है। जो पार्टीज मतलब क्या हुआ, जो पार्टी आपके अग्रीमेंट में, जो पार्टीज हैं जिन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, या अपना HFCs जो है इनको रिड्यूस कर देंगे इनका यूज टिल 2045। HFCs क्या होती हैं? HFCs जो हैं ये HCFC, हमने पहले डिस्कस किया, HCFC और जो CFC हैं ये बेसिकली ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस होती हैं, इनको रिप्लेस किया था बाय HFCs। तो जहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी क्लोरीन एटम होते हैं, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हो गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो जब भी क्लोरीन होगा तो वो ओजोन को डिप्लीट करेगा, बिकॉज क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और HFCs क्या होता है, दीज आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो जो फ्लोरीन है आप, क्लोरीन नहीं है, तो ये ओजोन डिप्लीटिंग नहीं होती है, लेकिन HFCs जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इज दिस क्लियर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए, ठीक है। तो HFCs का यूज कर रहे थे, HFCs को रिड्यूस करेंगे हम लोग, इनका कंजम्पशन जो है, ठीक है, इनका मैन्युफैक्चर रिड्यूस करेंगे बाय रफली 85%, ठीक है, रिस्पेक्टिव बेसलाइन से टिल 2045, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। HFCs जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है ना, ये चीज रिमेंबर कीजिएगा, लेकिन ये ओजोन डिप्लीट नहीं करती हैं, ओजोन डिप्लीशन नहीं करती हैं आपकी HFCs, ध्यान रखिएगा, जिसमें क्लोरीन होगा वही करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये 2045 होना चाहिए था, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपका, सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस इज एक्सपेक्टेड टू अरेस्ट द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज अप टू 0.5% बाय 2100, दिस इज करेक्ट, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है, ये चीज भी करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज दिस क्लियर। 47th क्वेश्चन देखते हैं। 47th क्वेश्चन क्या है, भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो है दीज नॉर्म्स, ठीक है, दीज नॉर्म, भारत स्टेज नॉर्म्स इन ऑटोमोबाइल की बात की जा रही है, ठीक है। तो भारत स्टेज नॉर्म्स जो है इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 में, ठीक है, तो दिस इज, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, दे ओनली लिमिट द रिलीज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड सल्फर ऑक्साइड्स, ठीक है, फ्रॉम द व्हीकल यूजिंग भारत स्टेज यूजिंग इंटरनल कम्बशन इंजन, तो ये चीज़ गलत है आपकी, ठीक है ना, ये सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर सल्फर डाइऑक्साइड को नहीं लिमिट करता है, इसमें और भी सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन अलग से हो गए, इसके बाद आपके बाकी ऑक्साइड्स होते हैं उनको भी ये लिमिट करता है उनका रिलीज, ठीक है, भारत स्टेज के जो नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये यूरो स्टेज नॉर्म्स बेस है, ऐसे सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। मैंडेटेड भारत स्टेज 6 नॉर्म्स जो है, एमिशन स्टैंडर्ड, ये कब से आ जाएंगे फोर्स में? अप्रैल 1, 2020 से, ये आपका करेक्ट है।
यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये आंसर, ये क्वेश्चन गलत है, ये होगा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी करेक्ट पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना। ओनली सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे, बिकॉज सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर ऑक्साइड नहीं होता है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और भी होते हैं, ठीक है ना, इज दिस क्लियर। और ये चीज ध्यान रखिएगा, हमने भारत स्टेज 5 नॉर्म्स जो है इनको स्किप कर दिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस भारत स्टेज नॉर्म्स इन टेस्ट नंबर 28, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रिस्पेक्ट में दिया गया है, लेट अस डिस्कस दिस, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना आपसे, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नियरली 55% जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है ये बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से है, ये चीज गलत है, 55% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से नहीं हो सकता, ये होता है आपके कोल से, ठीक है। नियरली 55% एनर्जी जनरेशन आज भी कोयले से होता है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या हुआ, लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इससे क्या होगा, ह्यूज रिडक्शन इन कार्बन एमिशन होगा, लेकिन ये चीज गलत है, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करने के बाद भी इतना ज्यादा रिडक्शन नहीं होगा, लार्ज स्केल अडॉप्शन जो है इससे ह्यूज रिडक्शन नहीं होगा, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ह्यूज रिडक्शन नहीं होगा कार्बन एमिशन में, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन लार्ज नंबर्स विल सी अ रिडक्शन इन एग्जॉस्ट पाइप एमिशन जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये चीज मान सकते हैं आप, ठीक है, खासकर आपके सिटीज और अर्बन एरियाज में। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इज दिस क्लियर। 49th क्वेश्चन देखते हैं, 49th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पोल्यूशन इंडेक्स बाय MOEFCCC, ठीक है, तो यहाँ पे जो है नॉट अ कैटेगरी, तो ये आपका जो है येल्लो जो है इसमें आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये ठीक है, ये बेसिकली क्या है, पोल्यूशन इंडेक्स है आपका, ठीक है, पोल्यूशन इंडेक्स जो है MOEFCCC जो है ये रिलीज करता है फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसमें चार कैटेगरी है, रेड है और ग्रीन है, ऑरेंज है और आपका वाइट है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। ऑर्डर इसका क्या है, सबसे पहले रेड आता है आपका, ठीक है, जहां पे आपकी पोल्यूशन जो है 60 से ऊपर होगी इंडेक्स में, ठीक है, 60 से ऊपर होगी। इसके बाद आता है आपका ऑरेंज, ऑरेंज में क्या होगा 41 से 59, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 21 से 40, यानी कि 20-20 का गैप है, 41 से 50 होगा तो ग्रीन होगा, और अगर लेस देन 20 है तो क्या हो जाएगा, वाइट। तो ये चीज याद रखिएगा, चार इसमें इंडेक्सेस में है, येल्लो जो है इसमें नहीं है, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो ये हमने 49th क्वेश्चन देख लिया, ऑप्शन के आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन ए, येलो। 50th क्वेश्चन देखते हैं, 50th क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन देम अकॉर्डिंग टू 2018 सेंसस, ठीक है। तो 2018 सेंसस के हिसाब से आपको यहाँ पे अरेंज करना है इसको, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आपके कर्नाटका में है, उसके बाद आपका उत्तराखंड में, एंड फाइनली आपका आसाम में। तो यानी कि क्या हो जाएगा, एमपी, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद आपका उत्तराखंड, एंड उसके बाद जो है आपका आसाम, यानी कि क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 3, 4, 2, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, इज दिस क्लियर। तो 50th का आंसर हो गया बी ऑप्शन। 51st जो है प्रोजेक्ट नवलेख, ठीक है, नवलेख जो ये किसने लॉन्च किया है, गूगल ने लॉन्च किया है। इसका एम क्या है, गूगल ने लॉन्च किया है टू मेक ऑनलाइन ईज ऑफ एक्सेस टू लोकल लैंग्वेजेस। ये किसका, अच्छा ये इनिशिएटिव किसका है, आंसर विल बी ऑप्शन ए, विच इज गूगल, ठीक है। तो नवलेखा, ठीक है, ये किसके लिए है, जो इंडियन कंटेंट है, ठीक है, उसको लोकल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करना आपको, ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गूगल। 52nd क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फॉल आर्मी वर्म जो है रिसेंटली किस लिए न्यूज में था, दिस इज इन्वेसिव पेस्ट, ठीक है। पेस्ट मतलब क्या होता है, जो आपके कीट होते हैं, कीट है ना, ये जो होता है जो आपके पेड़ पौधे वगैरह को पूरा खत्म कर देता है, सॉरी फूड क्रॉप्स खासकर, ठीक है ना, पेड़ पौधे नहीं, फूड क्रॉप जो होता है आपका उसको पूरा नष्ट कर देता है, ठीक है। तो रिसेंटली ये 2018 में देखा गया था, और जो आपका फॉल आर्मी वर्म था, इसने मक्के की जो पूरी खेती होती है उसको पूरा तबाह कर दिया था, मक्के की यानी कि मेज की, इंग्लिश में मेज, ठीक है, तो इसलिए न्यूज में था, तो दिस इज इनवेसिव पेस्ट। 53rd क्वेश्चन देखते हैं, 53rd में आपसे क्या, किसके बारे में है, साइट्स के बारे में है, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है, साइट जो है इंटरनेशनल अग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट, दिस इज करेक्ट, ठीक है। IUCN जो है ये रन करता है फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ये IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और साइट्स का है, साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, दिस इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये चीज होती है आपकी साइट्स, ठीक है। तो इसका एम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है आपका वाइल्ड एनिमल्स प्लांट में वो हो, लेकिन उसके वजह से उसका सर्वाइवल जो है वो थ्रेटन ना हो, समझ में आ रहा है। तो दिस बेसिकली रेगुलेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड, साइट्स जो है ये रेगुलेट करता है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना, ऑफ वाइल्ड
एनिमल्स एंड जो प्लांट्स होते हैं आपके, समझ में आ रहा है, और इसके वजह से इनका जो सर्वाइवल है वो थ्रेटन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला जो है ये भी करेक्ट है आपका, IUCN भी करेक्ट है आपका, ये फील्ड प्रोजेक्ट रन करता है, साइट जो है लीगली बाइंडिंग है ऑन द स्टेट जो इसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 54th सवाल देखते हैं, 54th किसके रिस्पेक्ट में, ये माइक के रिस्पेक्ट में है माइक, ठीक है, ये हमने देखा है आपके टेस्ट नंबर 28 में, एनवायरमेंट ही हमारा कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो माइक क्या है बेसिकली, दिस इज मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो इट हेल्प्स द रेन स्टेट्स इन मॉनिटरिंग एलिफेंट पॉपुलेशन, उनका एंड लेवल ऑफ इलीगल किलिंग जो है उसको, उसमें कुछ चेंजेस हो रही है कि नहीं हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो ये चीज़ करेक्ट है। जो रेन स्टेट्स, जो एलिफेंट का रेंज है, जो रेंज में आता है उसमें, ठीक है, रेंज मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एलिफेंट की जो ट्रेजेक्ट्री होती है जिस पे वो लोग चलते हैं वो, उस रेंज को कहा जाता है रेन स्टेट, ठीक है, उसमें जो राज्य आता है उसको कहा जाता है रेन स्टेट, ठीक है, समझ में आया। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कोर ऑफ माइक प्रोग्राम क्या है, इट्स अ साइट बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ एलिफेंट मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मतलब मृत्यु दर जो है उसका, इसको निगरानी करना, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका। हाईएस्ट पॉपुलेशन एलिफेंट्स की जो है पंजाब में एलिफेंट्स नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे आपका कर्नाटका आंसर है, ठीक है ना, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, यहाँ पे आंसर है कर्नाटका, ठीक है, सॉरी ये जो पंजाब नहीं होगा ये कर्नाटका होगा, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आपसे पूछ रहा है, तो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, विच इज ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, अगला सवाल कौन सा हो जाएगा, 55th सवाल, ठीक है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में है, आउटर स्पेस ट्रीटी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, यहाँ पे अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो प्रोहिबिट करता है आउटर स्पेस ट्रीटी, आउटर स्पेस मतलब जो स्पेस होता है, ठीक है, वहां पे प्रोहिबिट्स द प्लेसिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन स्पेस, दिस इज ट्रू, ठीक है, बार करता है स्टेट्स पार्टी को टू द ट्रीटी फ्रॉम प्लेसिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन द अर्थ ऑर्बिट, ये चीज भी करेक्ट है। द प्रपोज्ड यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स, ये इस ट्रीटी के खिलाफ है, ठीक है, तो ये चीज गलत है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, द प्रपोज यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स जो है इस ट्रीटी के अगेंस्ट नहीं है, इसने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है, यहाँ पे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बी राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। एंड एक और बात ध्यान दीजिएगा कि आउटर स्पेस ट्रीटी जो है ये मिलिट्री एक्टिविटी को बैन नहीं करता है, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो मिलिट्री एक्टिविटी अलाउड है आपका, ठीक है, लेकिन आपका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप अर्थ के ऑर्बिट में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। एंड USSF जो है इसने एक्सेप्ट किया इस ट्रीटी को, ये इसके ट्रीटी के खिलाफ नहीं है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। 55 देख लिया हमने, 56 क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, ठीक है, तो MIS क्या है, ये बेसिकली एक प्राइस सपोर्ट स्कीम है, ठीक है, प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है जो इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो ये प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है, ठीक है, तो ये बेसिकली किस लिए है, ताकि जो पेरिशेबल और हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज होती हैं, पेरिशेबल मतलब जो आपका सड़ने की जिसकी प्रवृत्ति होती है, हॉर्टिकल्चर मतलब जैसे आपके जो फल और सब्जियां होती हैं, उनको प्रोक्योर किया जाएगा अगर उनकी जो प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फॉल हो जाए। मार्केट में प्राइसेस कब फॉल होती हैं, जब बम्पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, बम्पर प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में प्राइसेस फॉल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सप्लाई आपकी डिमांड से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी, ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए है, पेरिशेबल एंड आपकी जो हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल जो फल और सब्जियां होती हैं जल्दी जल्दी सड़ने की इनकी प्रवृत्ति होती है, तो उनके लिए है, तो MIS उसके लिए प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे इसको किया जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्या है, एम्स एंड प्रोक्योरमेंट, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज इन द इवेंट ऑफ फॉलन मार्केट प्राइसेस, ये भी चीज आपकी करेक्ट है, और इसको जो है कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इट इज इंप्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, यानी कि कौन सा मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, तो दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ये इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नहीं है, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर। 57th क्वेश्चन देख लेते हैं, 57th क्वेश्चन क्या है आपका, दिस इज रिस्पेक्ट टू रीसेंट मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फिर से इंडियन बैंक जो है इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज किया गया, दिस इज अ फैक्ट, ये चीज करेक्ट है, आपको फैक्ट ये पता होना चाहिए, कौन से एक्ट के अंदर किया गया है, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 का, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी एक्ट जो है प्रोवाइड करता है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट RBI के कंसल्टेशन के साथ ये प्लान कर सकती है अमलगेमेशन ऑफ एनी नेशनल नेशनलाइज बैंक विद एनी अदर नेशनलाइज बैंक, ठीक है, नेशनलाइज बैंक के बीच में जो है ये आप मर्जिंग अमलगेमेशन वगैरह कर सकते हैं इस एक्ट के तहत, ठीक है, तो ऑल दी स्टेटमेंट्स करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, इसको कौन प्रिपेयर करता है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है।
ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स कौन प्रूव करता है? WWF, ठीक है ना। 59th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम को जो है कॉम्बैट करता है, कॉम्बैट मतलब उसे लड़ता है, तो ये चीज करेक्ट है आपकी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे करते हैं इसको, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। ये एग्जीक्यूटिव मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है टू कलेक्ट एंड कोलैट डेटा, ठीक है ना। तो ये चीज ये हमने पहले भी देखा है इसको टेस्ट नंबर 28 में, तो ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, स्टैचुटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैचुटरी बॉडी है क्यों? स्टैचुटरी मतलब कानून के दायरे में बनाई गई है। कौन सा कानून? आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि बी जो है ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट काम करती है, तो ऑल दी अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट, बी जो है रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। 60वां सवाल देख लेते हैं। 60वां क्या है? ये न्यू एजेंडा कोएलिशन के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। सीक्स टू बिल्ड एन इंटरनेशनल कंसेंसस टू मेक प्रोग्रेस ऑन न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, ठीक है। तो ये चीज आपकी करेक्ट है, ठीक है। और फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया, एस्टैब्लिश किया गया है 2015 में, ठीक है। ये चीज गलत है आपकी, 1988 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, कुछ कंट्रीज द्वारा। और इसको कहा जाता है न्यू एजेंडा कोएलिशन, एंड विद इंडिया बिंग वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर्स, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। द सेकंड स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, विच इज वन ओनली, ठीक है। 61st क्वेश्चन देखते हैं। 61st क्या है? ये बायो माइनिंग के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो बायो माइनिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पूछा जा रहा है, एंड करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो इट इज स्पेशली यूज इन एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स, तो ये चीज सही है। बायो माइनिंग क्या होता है? माइनिंग मतलब खनन होता है आपका, ठीक है। बायो मतलब बायो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, इन सबका इस्तेमाल करके आप जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो खासकर इसका इस्तेमाल होता है लो ग्रेड ओर्स होता है, लो ग्रेड मतलब जहाँ पे मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है, ठीक है। मिनरल्स का ओर मतलब क्या होता है? जो आपका रॉ फॉर्म में मिलता है आपको, ठीक है, क्रूड फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है? बट प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड, कॉपर जो है इनको माइन नहीं करते हैं, ये चीज गलत है। ये गोल्ड वगैरह भी जो है ये आपके बायो माइनिंग से इसका खनन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विच इज वन ओनली, ठीक है। 62nd क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस एसोसिएशन ऑफ होम बेस्ड वर्कर्स, सभा, ठीक है। दिस इज इनिशिएटिव ऑफ विच, ये क्या है? सभा जो है किसका इनिशिएटिव है? ये है सार्क इनिशिएटिव, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, ये फैक्ट है आपका। सभा का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है ना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइवलीहुड इनिशिएटिव फॉर होम बेस्ड वर्कर्स, ठीक है। इसको सार्क ने किया है, और ये फोकस किस पे करेगा? जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हैं आपके रीजन के होम बेस्ड वर्कर्स, जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं इस रीजन में, सार्क वाले रीजन में, उनको अपलिफ्ट करने में, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाने में, समझ में आया? तो ये आपकी सभा है, ठीक है। सेल्फ सॉरी स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइवलीहुड इनिशिएटिव, लाइवलीहुड मतलब जो आपका कमाने का जरिया है उसको इंप्रूव करना, स्ट्रेंथन करना फॉर होम बेस्ड वर्कर्स, समझ में आ गया? जिसमें मतलब सार्क ने इसको रिलीज किया है। इसके बाद आ गया आपका 63rd क्वेश्चन। 63rd किसके रिस्पेक्ट में है? दिस इज रिस्पेक्ट टू हजार्डस एंड अदर वेस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2019 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सॉलिड प्लास्टिक वेट जो है इट हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट इनटू द कंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेशल, ये चीज गलत है, एक्सक्लूडिंग नहीं होगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी जो है इसका इंपोर्ट, सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट का इंपोर्ट जो है ये प्रोहिबिट कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि प्रोहिबिट का मतलब क्या हुआ? प्रतिबंधित कर दिया गया है इसको, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड क्या है? सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट जो है मैन्युफैक्चर्ड इन एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इफ फाउंड इफेक्टिव कैन नाउ बी इंपोर्टेड बैक विद इन 10 years, 10 years नहीं है ये, विद इन 1 year ऑफ एक्सपोर्ट है। तो एक साल के अंतर्गत ही अगर कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट अगर आपका डिफेक्टिव निकलता है उसको वापस इंपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे 10 साल नहीं होगा, 1 साल होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है आपका। तीसरा क्या है? एक्सपोर्टर्स ऑफ सिल्क वेस्ट हैव बीन गिवन एग्जेम्पशन, सिल्क वेस्ट का जो एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया गया है अगर फ्रॉम रिक्वायरिंग परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 63rd हो गया। 64th देखते हैं। 64th किसके रिस्पेक्ट में है? एपेक के रिस्पेक्ट में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रुप, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रुप जो है एपेक क्या है? इकोनॉमिक ग्रुप है विद प्राइमरी गोल ऑफ प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एरिया पैसिफिक रिम इकोनॉमीज में। पैसिफिक रिम में आपको पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशन जो है उसके सराउंडिंग में जो जो एरियाज है उनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए एपेक है आपका। तो ये चीज आपकी करेक्ट है। एपेक रेफर्स टू इट्स मेंबर्स एज इकोनॉमीज रादर देन एज स्टेट्स ड्यू टू डिस्प्यूटेड स्टेट ऑफ स्टेटस ऑफ ताइवान, ठीक है ना। ताइवान और हांगकांग का जो आपका डिस्प्यूटेड स्टेटस है उसके वजह से इनको इकोनॉमी की तरफ रेफर किया जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, दिस इज रॉन्ग।
है, इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, इसमें पैसिफिक रिम कंट्रीज जो है ये इन्वॉल्व है, नॉट इंडिया। ठीक है, ये चीज आपकी इसमें आंसर करेक्ट पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है ना, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, पैसिफिक रिम कंट्रीज के बीच में है ये। पैसिफिक रिम कंट्रीज क्या होती है, वजह के इसको सर्च मारिए, रिम का मतलब क्या होता है, रिम आप समझिए होंगे पैसिफिक ओशन के जो जो बॉर्डर करती है पैसिफिक ओशन को, वो वाली कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, एपेक में। समझ में आ गया। 65th क्वेश्चन देखते हैं, 65th क्वेश्चन है इंटैक के बारे में। इंटैक मतलब क्या होता है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इंटैक जो है नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है विद विजन टू स्पियरेड हेरिटेज। ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, विजन क्या है इसका, हेरिटेज अवेयरनेस और कंजर्वेशन को है इसको प्रमोट करना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, पायनियर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आर नेचुरल एंड बिल्ड हेरिटेज बट डज नॉट इंक्लूड, ये चीज गलत है यहाँ पे, इंटेंजिबल हेरिटेज। ठीक है, नेचुरल बिल्ड हेरिटेज एज वेल एज इंटेंजिबल हेरिटेज। इंटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, जैसे म्यूजिक हो गया, इसको आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको कहेंगे आप इंटेंजिबल हेरिटेज। ठीक है, तो इसको भी प्रिजर्व करना है आपको, तो बोथ इंटेंजिबल एज वेल एज टेंजिबल हेरिटेज दोनों प्रोटेक्ट की जाएंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ये इंक्लूड होगा इसके अंदर इंटेंजिबल हेरिटेज भी। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच इज वन ओनली। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जस्ट रिमेंबर दिस, टू ओनली, इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, 66 क्वेश्चन क्या है, चितमहल क्या है, चितमहल क्या है, इनक्लेव्स ऑन द इंडो बांग्लादेश बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है ना, ये इनक्लेव्स है जिनको अभी रिसेंटली एक्सचेंज किया गया था इन द लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसके पीछे काफी अच्छी कहानी है। ठीक है, तो इसको आप जाके एक बार यूट्यूब पे, नहीं तो आप गूगल पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं, चितमहल। ठीक है, दो राजा थे, उन्होंने चेस के बोर्ड चेस गेम में इनक्लेव जो है हारे और जीते थे। ठीक है, तो एनक्लेव्स को रिसेंटली एक्सचेंज किया गया था, तो दिस चितमहल जो है एनक्लेव्स है ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। 67th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ जस्टिस इज अश्योर्ड बाय प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस है, जस्टिस ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, जस्टिस ऑफ बिलीव भी नहीं है, सोशल जस्टिस है। तो बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस ये चीज गारंटी करती है आपकी प्रीएम्बल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 4, यानी कि ऑप्शन डी, जस्ट क्लियर। 68th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी इंश्योर करता है सिटीजन के बीच में, तो आर्टिकल 14 करता है। ठीक है, आर्टिकल 325, आर्टिकल 325 किससे रिलेट करता है आपका, आर्टिकल 325 इज देखिए ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए है। 1, नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल लॉज, ये आपके राइट टू वोट है। ठीक है, यानी कि जो आपकी एडल्ट फ्रेंचाइज वाली जो चीज़ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये चीज़ आपके राइट टू वोट, आर्टिकल 325, जस्ट रिमेंबर दिस। तो आपका आर्टिकल 2, ये आर्टिकल 325 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या है, ये आपका डीपीएसपी है, ये मेन एंड वेमेन को इक्वल राइट देता है फॉर लाइवलीहुड एंड इक्वल पे देगा इक्वल वर्क के लिए, तो आर्टिकल 39 भी आपका राइट इक्वालिटी प्रमोट करता है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। आर्टिकल 105 जो है ये एमपीज के लिए जो आपकी प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है ना, उससे डील करता है, तो ये राइट टू इक्वालिटी नहीं प्रमोट करता, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए विच इज 1, 2, 3 ओनली। समझ में आया, तो आर्टिकल 14 तो आपको पता ही है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 39 इज डीपीएसपी राइट टू लाइवलीहुड, एंड आपका जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 325 है आपका राइट टू वोट। ठीक है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो आपका 68 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर। बुद्धिज्म का अगला सवाल है, बुद्धिज्म में आपका सवाल है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ओनली मेन वर अलाउड इन टू द संघा, ये चीज गलत है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है गौतम बुद्ध ने स्टार्टिंग में सिर्फ पुरुषों को अलाउ किया था, लेकिन बाद में औरतें भी जो है संघ में आने लगी थी। ठीक है, संघ जो है बुद्धिस्ट के जो संघ होते थे उसमें आने लगी थी। ठीक है, एंड तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, एंड बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे ओनली किंग्स इंक्लूडेड थे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसमें काफी सारे सोशल ग्रुप्स थे। ठीक है, जैसे कि इसमें जो वर्कर स्लेव्स और ये सब भी जो है थे, तो यहाँ पे ओनली किंग्स जो है ये रॉन्ग है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। 70वां सवाल देखते हैं। ठीक है, 70th क्वेश्चन, ये अगेन फंक्शनिंग ऑफ संघा से रिलेटेड है इन बुद्धिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इंटरनल फंक्शन संघा की जो है, इंटरनल फंक्शनिंग जो है संघा की, ये बेस्ड किस पे, ट्रेडिशन ऑफ गणास, तो ये चीज आपकी करेक्ट है। ठीक है ना, गणास के बेसिस पे इसमें यहाँ पे था, सबके सब इक्वल ट्रीट किए जाते थे। ठीक है, एंड ठीक है, इनकी जो अर्लियर गणास का मतलब, ठीक है, गणास है ये, गुणास है। ठीक है, आई थिंक ये गुणास होगा ना कि गणास। ठीक है, आई थिंक इट इज बेस्ड ऑन गुणास। ठीक है, तो ये आपके जो आइडेंटिटी है उसको छोड़ के, जो आपकी आइडेंटिटी है, चाहे आप क्षत्रिय हों, चाहे राजपूत, चाहे आप वैश्य हों या शूद्र हों, उन आइडेंटिटी को आप छोड़ के अंदर आते थे और सिर्फ आप भिक्कू और भिकुनी के रूप में आप संघा में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सबके सब इक्वल थे, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो ये चीज आपका करेक्ट है। अगर डिस्कशन फील होता है, डिसीजन जो होता है वोट के ऊपर होता था, वोट से। ठीक है, तो ये दोनों चीज जो है आपके करेक्ट है। आई थिंक ये गणा गणा गण गण ही है आपका। ठीक है, जैसे गणतंत्र होता है वही वाला गण है आपका, जो रिपब्लिक्स होता है।
ठीक है, ये रिपब्लिक की बात की जा रही है, नॉट गुणास, ठीक है ना, ये रिपब्लिक्स हैं, जो पहले रिपब्लिक था आपका, ठीक है, तो उस समय जो रिपब्लिक्स होते थे उन्हीं के बेसिस पे ये कहा जा रहा है। तो दिस इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो दिस इज गण, दिस इज नॉट गुण, रिमेंबर दिस, ये गण की बात की जा रही है, विच इज योर रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक, इज दिस क्लियर। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जो हेड होगा आपका दैट इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन जो है ये वोट से होता था, एंड पुराने आईटीज को छोड़ के आप यहाँ पे आते थे, ठीक है ना, कंसेंसस मतलब कैसे होता था, वोटिंग के थ्रू। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर। 71st क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव अबव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी ग्रोथ रेट किस किस का आपका इससे ज्यादा है, जो आपका रिप्लेसमेंट लेवल होता है, रिप्लेसमेंट लेवल कितना है फर्टिलिटी का, दैट इज 2.1, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल जो फर्टिलिटी ग्रोथ रेट होती है वो कितनी होती है, दिस इज 2.1, इससे ज्यादा किस किस का है, ज्यादा इसमें गुजरात का है एंड इसमें आपका असम का है, ठीक है, गुजरात और असम का जो है ज्यादा आपका नोट किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3 ओनली, विच इज ऑप्शन बी, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना, समझ में आया। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब हुआ कि जितने आपके मर रहे हैं उतने ही आपके पैदा भी हो रहे हैं, समझ में आया। तो अबव का मतलब कि जितने मर रहे हैं उससे ज्यादा आपके पैदा हो रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन आपकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, समझ में आया। रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि जितने आपके मर रहे हैं उतना रिप्लेस होकर आपके जन्म हो जन्म लेके आ रहे हैं, समझ में आया। 72nd क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो दिस इज अ फैक्ट, आप इसमें टेबल जाके देख सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ सीधा, आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा हिमाचल में है, उसके बाद आपका क्या बताना है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर सीनियर सिटीजन डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा से कम में, तो सबसे ज्यादा हिमाचल में हो गया, उसका तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश और फाइनली आपका दिल्ली, ठीक है, इज दिस क्लियर। 73rd क्वेश्चन देखते हैं, 73rd क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक सर्वे के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट। तो नेशनल TFR, ठीक है ना, TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी बता रहा है, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिलो रिप्लेसमेंट रेट बाय 2021, दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है ये रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ जाएगा, यानी कि आपके ज़्यादा लोग मरेंगे और आपके जो पैदा जो हो रहे हैं वो कम होंगे, यानी कि आपकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती जाएगी। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन 5 से 14 के एज ग्रुप में ये डिक्लाइन देखेंगे अपने नेक्स्ट डेकेड में, अगले दशक में जो है इनकी जो पॉपुलेशन है वो चीज़ आपको घटती हुई दिखेगी, ये भी चीज़ आप इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है, ठीक है। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा, यानी कि दोनों के दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2 जो है इनकरेक्ट है, समझ में आया। 74th क्वेश्चन देख लेते हैं, 74th किसके रिस्पेक्ट में है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के रिस्पेक्ट में है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, सबके बारे में प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगेन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये ऑपरेट कर सकती हैं, ठीक है, ओनली इन रूरल एरिया, तो ये चीज गलत है, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है इसके एरिया ऑफ ऑपरेशन पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। एंड इसके बाद जो है CRR की बात की जा रही है, CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इनको CRR मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग, इनको CRR मेंटेन करना पड़ेगा, दे विल हैव टू मेंटेन दिस कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना, ये मेंटेन करना पड़ेगा जैसे बाकी बैंक्स भी करती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तीसरा क्या है, SFB जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसको 75% अपना ANBC ये नेट बैंक क्रेडिट है, इसको इसके बारे में जाने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट नो दैट, ये फैक्ट के तौर पे याद कीजिए कि 75% जो है इसके एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको PSL देना पड़ेगा जो आपकी रिजर्व बैंक करती है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको पता होगा, जो नॉर्मल बैंक्स की क्या होती है 40% ऑफ ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या होगा, ये 75% कर दिया गया है, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है आपका, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला दूसरा रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर। 75वां सवाल देख लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्केल में आपको ये चीज करनी है, तो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल, ये आपके NCERTs में दिया हुआ है, तो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, सबसे बड़ा होता है ईऑन, ईऑन क्या होता है, ये 1.5 से लेके 2 बिलियन ईयर्स का होता है, 2 बिलियन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ईरा, ठीक है, सॉरी, इसके बाद आता है आपका पीरियड, पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है, 250 से लेके आपका 20 मिलियन ईयर्स, ठीक है। एरा जो होता है आपका ये लास्ट करता है 300 से एपोक जो है ये आपका लास्ट करता है बिटवीन 2.5 टू 40 मिलियन ईयर्स, ठीक है। एंड पीरियड का एक बार आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, पीरियड जो है आई थिंक ये आपका 250, ठीक है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा,
आपको इसका आंसर बता देता हूँ, जस्ट काइंडली गो थ्रू इट, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, आई कैन नॉट रिकलेक्ट। इसका आंसर जो है आपका, दिस इज आंसर ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है ना, ये करेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो जस्ट काइंडली गो थ्रू इट एंड एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 76th क्वेश्चन जो है, 76th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में यहाँ पे कौन सा करेक्ट है आपका, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इन द ईयर्स 1995 to 2000, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसकी थी, इंडिया की, ये चीज गलत है, इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं थी, ये थी लाइबेरिया की, ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका। इसके बाद पूछा रहा है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट वाइज जो है मैक्सिमम अफ्रीका की थी 1990 से लेके 1995 तक, तो ये चीज़ सही है आपकी, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी आपकी 1990 से 95 के बीच में। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है, पहले का आंसर क्या है, लाइबेरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है तो आंसर विल बी ऑप्शन बी विच इज टू ओनली, इज इज क्लियर। इसके बाद 77th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ट्रायंगुलर एज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एज एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये यहाँ पे इस टाइप का एक चार्ट होता है, ठीक है, इस साइड में आप मेल को ड्रॉ करते हैं, इस साइड में आप फीमेल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एज वाइज जो है ये 0 to 4 हो जाएगा, 5 to 9 ऐसे 5-5 साल का जो है आप वो बनाते रहते हैं ग्राफ टाइप का, ठीक है ना, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं उस टाइप से, ठीक है। तो आपकी ट्राइंगुलर मतलब इस टाइप से ट्राइंगुलर एज एक्सपेरिमेंट हो गया, यानी कि जो आपका बेस है सबसे ज्यादा बच्चे हैं आपके, और जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं ये सबसे ज्यादा कम है, ट्राइंगुलर एज एक्स सॉरी ट्राइंगुलर एज एक्सपेरिमेंट नाइजीरिया का, इसके बारे में यहाँ पे पूछा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कौन कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर दिस एज एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला नाइजीरिया जो है लार्जर पॉपुलेशन है, लोअर एज ग्रुप्स। अच्छा, ये पूछा है कि ऐसा पिरामिड क्यों बना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं, लार्जर पॉपुलेशन लोअर एज ग्रुप्स में होगा ड्यू टू हाई बर्थ रेट्स, ये चीज सही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ये बेस जो है इसका काफी ज्यादा चौड़ा है, ट्राइंगुलर है तो ऑब्वियसली इसका चौड़ा है, यानी कि बेस में इसका काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, क्यों, बिकॉज ऑफ हाई बर्थ रेट, ये चीज करेक्ट है आपकी, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड क्या है, नाइजीरिया हैज हाई डेथ रेट ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड ड्रॉथ, ये भी चीज आपकी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा क्या है, यूजुअली लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, यूजुअली लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो है इनका ट्राइंगुलर एज एक्सपेरिमेंट होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना, लेकिन इसको आप रीजन नहीं मान सकते, ठीक है, दिस कैन नॉट बी जनरलाइज। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये दोनों करेक्ट हैं आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 and 2 only, ठीक है, तो 1 and 2 only हो जाएगा आपका, तो आंसर इज ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर। 78th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 78 क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है किसने दिया था, कौन से इकोनॉमिस्ट ने, तो इसका आंसर होगा महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक जो है, महबूब उल हक और जो आपका अमर्त्य सेन, इन दोनों ने आपका जो है कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है, जस्ट क्लियर। 78 का आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक। 79th क्वेश्चन क्या है, अरेंज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स कौन सा होगा, सबसे कम किसकी पॉपुलेशन है, सिक्किम की, ठीक है, सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है, उसके बाद आता है आपका मिजोरम, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका अरुणाचल और फाइनली आएगा आपका गोवा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये सेंसस आप एक बार देख लीजिएगा, जो लीस्ट और हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, कम से कम स्टार्टिंग के 5, ठीक है, बॉटम 5 और स्टार्टिंग 5 देख लीजिएगा, ठीक है। 80th क्वेश्चन देखते हैं, 80th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है यहाँ पे, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट जो है पुश फैक्टर होता है फॉर मेल माइग्रेशन। वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट जो है पुश फैक्टर नहीं है, पुश फैक्टर मतलब क्या, जो मजबूरी की वजह से आपको माइग्रेट करना पड़ रहा है, तो ये पुश फैक्टर नहीं है, पुल फैक्टर है, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पुल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, पुश फैक्टर मतलब जैसे आपके वहाँ मान लीजिए आपके गांव में मान लीजिए क्या बोलते हैं बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो इसके वजह से आप माइग्रेट करके शहर की तरफ भाग रहे हैं, उसको कहेंगे आप पुश माइग्रेशन। और पुल माइग्रेशन क्या होगा कि आपको नौकरी मिलने की संभावना जो है आपको शहर में जाता है गांव की अपेक्षा, तो ये आपको खींचेगा अपनी तरफ, इसलिए इसको कहते हैं पुल फैक्टर, पुल और पुश, ठीक है, तो ये पुश फैक्टर नहीं है, ये पुल फैक्टर होगा आपका, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसके बाद रूरल टू रूरल माइग्रेशन ऑफ फीमेल इज लेसर देन मेल, ठीक है, तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन ये चीज जो है ऑब्जर्व की गई है ये ज्यादा है आपके मेल के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये लेसर नहीं है, दिस इज मोर देन मेल रूरल टू रूरल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इज दिस क्लियर। 81st क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 81st क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वी हैव अ डिफरेंट फीमेल मैरिज माइग्रेशन लॉ, फीमेल मैरिज माइग्रेशन लॉ कौन से स्टेट में डिफर है, यह आपका मेघालय, मेघालय में डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली मैट्रिलिनियल सिस्टम है, ठीक है, मैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल मतलब क्या होता है, जो आपका लीनियज है,
जो आपका वंशज वाला जो ट्रेस करते हो आप, आपके पिता के थ्रू नहीं करते हो आप, बल्कि अपने मदर के थ्रू करते हो, समझ में आया? जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने फादर के थ्रू ट्रेस करते हैं कि हमारे फादर, उसके ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, उस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मेघालय वगैरह में, ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो यहाँ पर जो है मदर के थ्रू ट्रेस किया जाता है, समझ में आया? तो यहाँ पे जो है आपका फीमेल मैरिज माइग्रेशन लॉ जो है ये डिफरेंट है, एंड दिस इज मेघालय, दिस इज क्लियर? ये फैक्ट के तौर पर इसको याद कर लीजिए। 82nd क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2001। तो ये टेबल आपके एनसीआरटी, यहाँ पे एनसीआरटी के टेबल के बेसिस पर दिया गया है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, काइंडली गो एंड रेफर द टेबल्स, ठीक है ना। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, 1, 2, 4, 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पे है, ओडिशा में है, उसके बाद कहाँ पे, बिहार में, उसके बाद असम में, फिर फाइनली अरुणाचल प्रदेश में, इज दिस क्लियर? ठीक है। 83rd क्वेश्चन देखते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, अगेन करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, तो इट इज नोन एज झूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये चीज आपकी करेक्ट है। इंक्रीजेज द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज कर देता है सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, इसलिए इट इज वाइडली प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो ये डिक्रीज करता है, इट डज नॉट इंक्रीज, इट डिक्रीजेज द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, ये चीज़ गलत है, ठीक है। और इसको आंध्र प्रदेश में पोड्डू कहा जाता है, ये चीज़ आपकी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये करेक्ट है आपके, ठीक है। एनसीएस प्रैक्टिस फर्स्ट, सॉरी, आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, दिस इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है। तो मैंने इसको कन्फ्यूज किया था विथ बर्निंग, ठीक है, जो बर्न स्लैश होता है वो नहीं है, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन है। तो दिस इज, ये जो है सॉइल बेरिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर देता है, कैसे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या हुआ, पहले आप एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे, ट्रैक्ट मतलब एक जो लैंड का हिस्सा है वहां पे आप कल्टीवेशन करेंगे, वहां पे आपकी कल्टीवेशन पूरी जाएगी, तो वहां उस लैंड को छोड़ के आप दूसरे लैंड पे पड़ जाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप दूसरे लैंड पे वहां पे खेती करेंगे, तब तक ये जो पुराना लैंड था इसको आपने ऐसे खाली छोड़ दिया है, तब तक ये जो है अपनी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी जो है वापस रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। तो काइंडली इसके लिए सॉरी, ठीक है, ये पहले मैंने इसको बर्न एंड स्लैश जो होता है कल्टीवेशन उससे कंफ्यूज कर लिया था, दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको झूम बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इज दिस क्लियर। 84th क्वेश्चन देखते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सी पोर्ट्स के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। तो पारादीप जो है ये आपके ओडिशा में है, दिस इज ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर, दिस इज करेक्ट। मारमगांव जो है नेचुरल हार्बर है गोवा का, ये भी करेक्ट है आपका। कांडला पोर्ट जो है इट वॉज डेवलप्ड बिकॉज कराची पोर्ट जो है इट वॉज गिवन टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन, ठीक है। कांडला पोर्ट कहाँ पे है आपका, ये गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये भी करेक्ट बात है, तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर। 85th क्वेश्चन देखा जाए, 85th क्वेश्चन किसके बीच में है, किसके बारे में है, दिस इज यहाँ पे स्टेटमेंट दे लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। स्पाइस जेट जो है ऑपरेट्स इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूएल पावर्ड फ्लाइट फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, ठीक है। तो यहां पे स्पाइस जेट जो है इसने सबसे पहला इंडिया का फर्स्ट बायोफ्यूल जो पावर्ड फ्लाइट है ये चीज ऑपरेट की है, ये चीज करेक्ट है। लेकिन ये जयपुर से दिल्ली नहीं है, ये है देहरादून से दिल्ली, देहरादून से दिल्ली, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। एंड पार्शली पावर्ड बाय बायोजेट फ्यूल मेड फ्रॉम जत्रोफा प्लांट, जत्रोफा जो है यह बायोफ्यूल के लिए फेमस है, ये नाम याद रखिएगा, इसको रेलवेज में यूज किया था जत्रोफा प्लांट को। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फ्यूल जो है डेवलप किया है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये चीज भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ट रिमेंबर दिस। 86th क्वेश्चन क्या है, 86th क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। थ्री स्टेट्स आर कवर्ड व्हेन वन ट्रैवल्स फ्रॉम नेशनल वाटर वे वन, ठीक है। नेशनल वाटर वे वन जो है यहाँ पे तीन स्टेट नहीं, यहाँ पे चार स्टेट कवर होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, पहली बात ये आपके वाराणसी से, सॉरी इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है आपका, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जो है आपका अभी यहाँ से लेके हल्दिया तक वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो यूपी इसमें कवर होगा, बिहार कवर होगा, झारखंड कवर होगा, और इसके बाद आपका हल्दिया, सॉरी वेस्ट बंगाल, चार स्टेट्स कवर होंगे ना कि तीन स्टेट। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। इसके बाद नेशनल वाटर वे जो फोर है आपका, नेशनल वाटर वे फोर, इट इज बीइंग बिल्ट ऑन ब्राह्मणी रिवर, ठीक है, एंड महानदी रिवर डेल्टा, ये चीज़ गलत है, नेशनल वाटर वे फोर नहीं है, नेशनल वाटर वे फाइव है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है आपका ये चीज़ रॉन्ग है। नेशनल वाटर वे सिक्स जो है इट इज प्रपोज्ड वाटर वे इन असम, ठीक है, एंड मेघालय स्टेट कनेक्ट करेगा आपके लखीमपुर टू बंगा इन द रिवर बराक। तो ये सिर्फ असम स्टेट में है, ये मेघालय में नहीं है, तो ये चीज भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर।
ठीक है, तो एक बार इनको मैप्स में जाके देख लीजिए आपकी जो प्रपोज्ड वाटरवेज हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87th क्वेश्चन है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? रेलवे जोन्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आपसे अगेन करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो इंडिया में कुल मिला के 18 जो है रेलवे जोन्स हैं, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, 18 रेलवे जोन्स हैं। इसके बाद हुबली जो है हेडक्वार्टर है साउथ वेस्टर्न जोन का, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, हुबली जो है आपके साउथ वेस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है। सी जो है सेंट्रल रेलवे जोन जो है मैक्सिमम रूट लेंथ है, ये चीज़ गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सेंट्रल रेलवे नहीं बल्कि नॉर्दर्न रेलवे जो है इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रूट लेंथ है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए विच इज 1 एंड 2 ओनली। 88th क्वेश्चन देख लेते हैं, 88th क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको कंसिडर करनी है, करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो INO जो है आपका, ये पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये स्टडी करेगा एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज 1200 मीटर्स पे, ठीक है ना, ये चीज़ आपकी करेक्ट है, ठीक है, 1200 मीटर डीप केव है आपका, ठीक है, अंडर INO पीक नियर थेनी, ये कहाँ पे INO प्रोजेक्ट जो है आपका न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे, थेनी तमिलनाडु में, ये चीज़ ध्यान, ठीक है। तो INO बेस अच्छा यहाँ दिया हुआ है, इट्स अ डीप केव अंडर INO पीक नियर थेनी तमिलनाडु इंडिया, और ये प्रपोज प्रोजेक्ट साइट जो है फॉल्स इन द बफर जोन ऑफ मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना, इसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा था कंसर्निंग दिस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कि ये जो टाइगर्स हैं इनको इनको एंडेंजर कर सकता है, तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो जस्ट रिमेंबर दिस। 89th KGF मूवी आई थी, आई थिंक उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन होना है, कोलार गोल्ड फील्ड जो है ये माइनिंग रीजन है कहाँ पे, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये चीज़ गलत है, कर्नाटका है, ठीक है, तो कर्नाटका है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। नरोड़ा जो है, नरोड़ा इज द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन स्टार्टेड, ये चीज़ गलत है आपकी, तारापुर जो है, ठीक है, तारापुर जो आपका एटॉमिक पावर स्टेशन है, दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो इंडिया में बनाया गया था, ये 1961 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और ये 1969 में जो है क्रिटिकल स्टेट अटेन कर चुका था, तो यहाँ पे जो है क्या पूछा करेक्ट आंसर, तो नाइदर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन डी, इज दिस क्लियर। 90th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अरेंज दीज रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ में आपको अरेंज करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे साउथ में कौन सा होगा, तुंगभद्रा, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा कावेरी, ठीक है, और उसके सॉरी उसके ऊपर आएगा आपका पलार, और फाइनली आपका आएगा क्या बोलते हैं कावेरी, ठीक है, ये साउथ नॉर्थ पूछ रहा है आपसे, सॉरी साउथ नॉर्थ पूछ रहा है, तो सबसे नीचे आपका आएगा कावेरी, उसके ऊपर आएगा तलार, ठीक है, कावेरी नीचे है आपका, उसके ऊपर पलार आएगा, उसके ऊपर आएगा आपका तुंगभद्रा, तुंगभद्रा यहाँ पे पलार और यहाँ पे कावेरी, ठीक है, ये साउथ से नॉर्थ पूछ रहा है, साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 उसके बाद 3 और फिर 1, 2 3 1 इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, इज दिस क्लियर, तो 90 का आंसर विल बी ऑप्शन बी, इज दिस क्लियर। 91st फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको अगेन करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो इंडिया जो है 6th रैंक करता है इन कॉफी प्रोडक्शन आफ्टर ब्राजील वियतनाम कोलंबिया, यहाँ पे आपको ये 6 के 4 नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 5 नाम आप सिर्फ याद रखिए, ब्राजील जो है टॉप प्रोड्यूसर है, इंडिया का जो है 6th रैंक है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। एंड कॉफी जो है ये ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, एंड इंडिया मोस्टली ग्रोज सुपीरियर क्वालिटी कॉफी रोबस्टा, रोबस्टा जो है सुपीरियर क्वालिटी कॉफी नहीं है, दिस इज अराबिका, इंडिया में जो है अराबिका जो है इसका ज्यादातर प्रोडक्शन इसका होता है अराबिका का, ठीक है, और ये इंटरनेशनल मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 अगर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर। 92nd क्वेश्चन देखते हैं, 92nd क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा इसमें करेक्ट है, ये चीज़ पूछ रहा है। राजस्थान गड्डी, तो गड्डी जो है राजस्थान में नहीं है, गड्डी जो है ये कहाँ पे, आपके हिमाचल प्रदेश में। गुल्लास जो है ये आपके कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में है, दिस इज करेक्ट। धंगार जो है ये आपके महाराष्ट्र में है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, धंगार जो है आपके महाराष्ट्र में, यानी कि पहला जो है ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, सेकंड जो है आपका करेक्ट है, थर्ड जो है आपका ये भी करेक्ट है धंगार, ठीक है। रायकास जो है ये आपके राजस्थान में होता है, रायकास राजस्थान, यानी कि जो ये 1 2 3 4 है, पहली बात ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और फोर्थ को जो है इंटरचेंज कर दिया गया है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना। 93rd अगेन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, ये अगेन आपसे ये मैच करवा रहा है, तो विटी कल्चर जो है, विटी कल्चर इज ग्रेप्स, ये चीज़ करेक्ट है। एपी कल्चर जो है ये आपका हनी से रिलेटेड है। पिसी कल्चर जो है, पिसी है ये, पिशी नहीं है, दिस इज पिसी, ठीक है, PISCI, पिसी कल्चर जो है ये फिश से रिलेटेड है। वर्मी कल्चर जो है अर्थवर्म से रिलेटेड है, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। 94th क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट टच द रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर इज द
मोस्ट सेंसिटिव अर्थक्वेक प्रोन एंड वॉल्केनो प्रोन जोन, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक प्रोन रीजन जो है आपका वो चीज है। तो इसमें कौन सा कंट्री जो है रिंग ऑफ फायर को टच नहीं करता, तो दिस इज ऑस्ट्रेलिया, आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, इसका मैप देख लीजिए आप गूगल पे जाके, ठीक है ना। 95th क्वेश्चन देख लिया जाए, 95th क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब हुआ है, 1971 का जो वॉर था, के एम करियप्पा इनको आपका क्या बोलते हैं फील्ड मार्शल का टाइटल कब मिला था, ये मिला था 1986 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ है 1984 में। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1-3-2, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर, ठीक है। के एम करियप्पा क्या थे आपके, ये आर्मी के जनरल थे, इनको फील्ड मार्शल का टाइटल दिया था, फील्ड मार्शल इज द हाईएस्ट टाइटल, ठीक है ना। किसको मिला था, एस एच एफ जे मानेकशॉ, ठीक है ना। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, 96 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018-19, यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सर्वे जो है नीति आयोग के अंडर करवाया गया था, ये चीज गलत है, ये MHRD ने करवाया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसने ये चीज कंडक्ट करवाई है, दिस इज एनुअल वेब बेस्ड ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना, तो ये गलत है, MHRD ने करवाया इसको। सेकंड क्या है, सर्वे कवर्स ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एंगेज इन इंपार्टिंग हायर एजुकेशन, दिस इज करेक्ट, ठीक है, सारे इंस्टीट्यूशंस कवर करेगा ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा है, आंसर विल बी ऑप्शन बी, इज दिस क्लियर। 97th क्वेश्चन देख लें, 97th क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नीट स्कीम, नीट स्कीम क्या है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो न्यू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स, किसमें, हायर एजुकेशन में, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना, ये पब्लिक PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा ताकि आपके लर्निंग को पर्सनलाइज और कस्टमाइज कर सकें, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, नीति आयोग का इनिशिएटिव नहीं है, अगेन ये MHRD का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज 1 and 2 ओनली, ठीक है। 98th क्वेश्चन देखा जाए, 98th क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का, यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो RPW एक्ट जो है लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज जो है ये श्रिंक कर दी है 21 से 7, ये गलत है, ये उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है इसको 7 से 21 तक, ठीक है, समझ में आया, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के रिजर्व करेंगे एटलीस्ट 5% सीट फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये चीज करेक्ट है आपकी, एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर। 99th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 99th क्वेश्चन क्या है, दिस डील्स विद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो आंसर यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो है एक्ट इंश्योर करेगा वेमेन जो है सेक्सुअल हरासमेंट से प्रिवेंट होती है एट ऑल वर्क प्लेसेस, तो ये चीज करेक्ट है आपका। It does not provide safeguard against false and malicious. ये गलत है, यहाँ पे safeguard आपको provide किया जाएगा, ठीक है ना, provide करेगा safeguard और malicious charges, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, it does provide, does not नहीं होगा, does provide है, first correct wrong है, first correct है आपका, second wrong है, इसका मतलब safeguards मतलब ये आपके खिलाफ अगर false या malicious charge लगा रहा है, कोई गलत allegation लगा रहा है आपके खिलाफ, तो उसके खिलाफ आपको safeguard दी जाएगी, ठीक है। तीसरा क्या है, even unorganized sector has been taken into account, तो ये चीज़ भी ध्यान देने की बात है, unorganized sector भी जो है इसको भी इंक्लूड किया गया है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस के डेफिनेशन, वर्कप्लेस में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लाया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहला और तीसरा करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इज दिस क्लियर। 100th क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, तो हम पॉलिटी पे थोड़ा आते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, प्रेसिडेंट जो है डिटर्मिन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड, करेक्ट है, पार्लियामेंट डिटर्मिन करेगी द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना, पार्लियामेंट ने इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है, और जो हाई कोर्ट है वहां पे प्रेसिडेंट जो है उसका स्टैंड डिटरमिन करता है, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो काइंडली नोट दिस, तो आंसर विल बी बोथ 1 and 2, यानी कि ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर। 101st क्वेश्चन देखते हैं, 101st क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल, ये सही बात है, ठीक है, IOE जो है इनको करिकुलम अपना और सिलेबस ये जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, किसके, स्ट्रिक्टली एज पर UGC नॉर्म्स, ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो है इसको करिकुलम और अपना सिलेबस जो UGC नॉर्म्स के तहत जो है स्ट्रिक्टली बनाना पड़ेगा, ये चीज़ गलत है, यहाँ पे इनको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है अपना करिकुलम और सिलेबस बनाने के लिए, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि उनको स्ट्रिक्टली करना है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ईच प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है इसको 1000 करोड़ मिलेगा, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ ईच प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिलेक्टेड, इसको फाइनेंशियल ये दिया जाएगा असिस्टेंट, असिस्टेंस कितना 1000 करोड़ का ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, दिस इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट, अच्छा
सॉरी यहाँ पे प्राइवेट नहीं होगा, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है इसको दिया जाएगा 1000 करोड़ का फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है, 2 और 3, 2 और 3 आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको वापस बता दूँ, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दोनों ही इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशन होंगी। पहली बार जब दिया था तो 6 इंस्टीट्यूशन हुई थी, 3 आपकी पब्लिक थी, पब्लिक मतलब जो सरकार की होती हैं, और 3 प्राइवेट थी आपकी, ठीक है, जिसमें जियो इंस्टीट्यूट भी था रिलायंस का, ठीक है। द फर्स्ट इज करेक्ट, आईओ को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, फ्लेक्सिबल है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ईच प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दिया है, तीसरे स्टेटमेंट में ये प्राइवेट नहीं होगा, ये पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी कि सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है उसको 1000 करोड़ दिया जाएगा 5 साल के पीरियड पे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा है आपसे, 2 और 3 इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। 100 सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में है, सीएसईपी, सीएसईपी क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो सीएसईपी जो है इसको मैंडेट किया गया है, मैंडेट मतलब कंपलसरी है इस पे कि ये एमएसपी रिकमेंड करेगा। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर सके फॉर अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी रेज कर सके। सीएसईपी जो है एमएसपी रिकमेंड करती है किसके लिए, खरीफ के लिए, राबी के लिए, शुगर केन के लिए, रॉ जूट और कोपरा ओनली, ये चीज करेक्ट है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके इंडिया एयरबुक में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना, ऑल दीज आर करेक्ट। सीएसईपी अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में, ये चीज भी आपका करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। 103rd क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रीएम्बल के रिस्पेक्ट में है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में प्लेस है, ये गलत है, प्रीएम्बल सबसे पहले है। प्रीएम्बल होता क्या है, बेसिकली प्रीफेस की तरह होता है ये, ठीक है, ये इट इज लाइक प्रीफेस, जैसे बुक में प्रीफेस होता है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस जो है आपका प्रीएम्बल है, ठीक है। प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं, ये नेहरू ने बनाया था, नेहरू ने बनाया था आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उसके बेसिस पे आपका ये प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर। अगला सवाल देख लें, 104, ये क्या है, यहाँ पे अगेन 2 स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट आंसर बताना है आपको, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। प्रीएम्बल जो है स्टेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, पीपल ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि प्रीएम्बल के स्टार्टिंग में क्या है, वी द पीपल, ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सिलेक्ट करता है January 26, 1950 एज अ डेट ऑफ अडॉप्शन, ये चीज गलत है आपकी, यहाँ पे क्या है, November 26, 1949, ये डेट याद रख लीजिए आप, ठीक है ना, प्रीएम्बल में ये डेट दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विच इज 1 only। 105, ये जैनिज्म के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, करेक्ट आंसर बताना है। जैन टीचिंग्स के अनुसार जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ है ये कर्म के थ्रू होता है, कर्म के थ्रू, ठीक है, तो ये चीज करेक्ट है, हिंदू धर्म से इनहेरिट किया गया है। एसिडिज्म, ठीक है, एसिडिज्म, एसिडिज्म क्या होता है आपका, एसिडिज्म को वैराग्य कहते हैं, ठीक है, ठीक है, वैराग्य कहते हैं, और पेनेंस जो होता है ये होता है आपका तपस्या, तो वैराग्य और तपस्या जो है ये जरूरी होता है ताकि आप कर्म का जो चक्र है उससे आप अपने आप को मुक्त कर सकें, ठीक है, तो ये चीज़ पे सही, ये जैन धर्म के अनुसार सही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, वन कैन फ्री वनसेल्फ फ्रॉम कर्म ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, तो संसार का त्याग करने के बाद ही जो है आप अपने आप को मुक्त करवा सकते हैं कर्म के जो कर्म का जो चक्र है उससे, तो ये चीज़ आपका तीसरा भी यहाँ पे जैन के अनुसार करेक्ट है, जैनों के अनुसार, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, 2, 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। 106 क्वेश्चन क्या है, बुद्धिज्म के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसके बारे में हमें देखना है, करेक्ट आंसर बताना है हमें। अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वॉज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, ये चीज नहीं है, ठीक है। अर्लीस्ट फॉर्म में जो था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है इररिलेवेंट था, इमेंस इंपॉर्टेंस नहीं था, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट मतलब उतना इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, मतलब गॉड का, गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करते हैं उसमें इतना ज़्यादा कोई चर्चा नहीं की गई थी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था उस क्वेश्चन को, समझ में आया, जो अभी तक काफ़ी डिबेट चलता है कि गॉड होता है या नहीं होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका, इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है। सेकंड, बुद्धा ने रिगार्ड किया था सोशल वर्ल्ड को एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रादर देन ऑफ डिवाइन ऑरिजिन, ये चीज़ करेक्ट है आपकी, ठीक है, डिवाइन ऑरिजिन की जगह पे ह्यूमंस नहीं क्रिएट किया है वर्ल्ड को, ये बुद्धा का बिलीफ था, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बी, 2 only, ठीक है। 107th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अज्यूम टू हैपन ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ BS6 नॉर्म, BS क्या है, भारत स्टेज नॉर्म्स, ठीक है ना, 6 नॉर्म जो अप्रैल 2020 से जो है आपके लागू हो जाएंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स, राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स, ये चीज आपकी, एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ये चीज सही है आपकी। नो इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन, ये चीज गलत है, क्योंकि भारत स्टेज 6 नॉर्म्स में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन जो है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो नॉर्म्स हैं ये लिमिट करेंगे आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। पीएम एंड डीजल कार्स डाउन बाय 80%, पीएम क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, तो ये चीज जो है ये भी करेक्ट है आपका, इस पे लिमिट लगेगी 80% की, ठीक है, बाय 80% जो है कम हो जाएगा वो, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो ये दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन इसके लिए, तो दिस इज योर टेस्ट 29, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, तो विद दिस थैंक यू।